بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في حق النبي الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم الكريم معزز مشايخ علماء کرام جبی معتکفین و معتکفات اساتذہ معلمین اور معلمات و طالبات اور دنیا بھر کے سامعین و سامعات ناظرین و ناظرات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس کے حضور رمضان المبارک کے آخری مقدس عشرہ میں اعتکاف کے ایام اور اعتکاف کی لیالی اعتکاف کے دن اور اعتکاف کی راتیں گزار رہے ہیں سارے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں سائل اور منگتے بن کے بیٹھے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اعتکاف کی ان راتوں میں ہمارا سلسلہ وار موضوع اخلاق حسنہ چل رہا ہے آج کا موضوع ایک خاص ہے اسی اخلاق حسنہ کا ہی ایک حصہ ہے اور وہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر ایمان کا مدار بھی ہے اور آخرت کے بے حساب اجر اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے قرب کا مدار بھی ہے وہ ہے الحب فی اللہ کیا موضوع ہے الحب فی اللہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کی محبت کی خاطر آپس میں محبت کرنا آپس میں سنگت اختیار کرنا اور آپس میں رفاقت اختیار کرنا اللہ کی محبت کی خاطر کسی کی رفاقت اختیار کرنا کسی کی سنگت اختیار کرنا کسی کی محبت اور صحبت اختیار کرنا اور اللہ کی محبت کی خاطر کسی سے تعلق اور رابطہ بنانا اور اس تعلق اور رابطے پر قائم اور دائم رہنا یہ ہے آج کا موضوع جو پہلی آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی روتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے
लेते हैं। बहुत से और सहाबा की इन्हीं कैफियत का इजहार किया, नुमाइंदगी की। ये वो कैफियत थी जो बहुत सों की थी, उस सहाबी ने बयान किया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम घर में बाज़ औक़ात रोते रहते हैं, ये सोच सोच कर कि आपके साथ हमारी मोहब्बत का आलम यह है कि हम आपको अगर न देखें तो ज़िंदगी अजाब बन जाती, जीना मुश्किल हो जाता, आपको देखे बग़ैर रह नहीं सकते। ये उन लोगों का नसीब था जो आकल इस्लाम के वक्त में थे और ईमान लाए थे, उनका नसीब था, जिन्होंने आकल इस्लाम को, आप ख़ुद सोचें, देख लिया होगा ईमान की निगाह से, इश्क और मोहब्बत की निगाह से, देख लेने के बाद फिर वो हुजूर को देखे बग़ैर कैसे ज़िंदा रह सकते थे। तो अर्ज़ किया कि आका, ये सोच सोच कर रोते और तड़पते हैं कि आज तो जब उदास होते हैं आपके दर दौलत पे आ जाते हैं और आपका दीदार कर लेते हैं, मस्जिद में आ जाते हैं आपका दीदार हो जाता है, आपकी मजलिस में बैठ जाते हैं आपके दीदार से अपनी आंखें ठंडी कर लेते हैं। रोना इस बात पर आता है कि जब आप और हम इस दुनिया में नहीं होंगे तो आप तो जन्नतों के बड़े आला मुकाम पर चले जाएंगे, जो आपका मर्तबा अल्लाह ने बनाया है, आप तो उस जगह पर होंगे और वहाँ तो किसी और को जाने की इजाज़त ही नहीं होगी। जिस मकाम पर आप होंगे वहाँ जन्नत के, चलो जन्नत में जाकर भी जन्नत के तो बेशुमार तबकात हैं, हिस्से हैं, दर्जे हैं, तो मुख्तलिफ छोटे छोटे दर्जों पर रहने वाले उनको तो ऊंचे दर्जात में जाने की इजाज़त ही नहीं होगी। तो जन्नत में जाकर हमारा क्या हाल होगा, हम आपका मुखड़ा देखना चाहेंगे तो आपकी तो मजलिस में नहीं जा सकेंगे, आपकी बारगाह में भी हाजिर नहीं हो सकेंगे। तो वो कैसी जन्नत होगी कि जिसमें आपके दीदार से ही महरूमी होगी, हमारा क्या बनेगा, ये सोचकर इस फिक्र में और गम में रोते। जब उन्होंने ये बात आकल इस्लाम के सामने रख दी, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अमीन को ये आयत करीमा देकर वही भेजी, इस आयत करीमा की वही, और जाके कहा कि जाके जिब्राईल अमीन जाके मेरे महबूब को इस वही के ज़रिए पैगाम दें ताकि वो अपने ग़ुलामों को इत्मीनान दे दें। पैगाम ये आया इस आयत करीमा में कि जो अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी में आ जाएँ और उनसे ताबेदारी का, मोहब्बत का, इताअत का, फर्मा बरदारी का ताल्लुक जोड़ लें, ताल्लुक जोड़ लें, तो फिर वो ये न सोचें कि जन्नत में आपका रुतबा कहाँ होगा, हमारा दर्जा कहाँ होगा और हम आपको मिल ना सकेंगे। फरमाया नहीं, अल्लाह ने वादा कर दिया, फ़ाउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह पाक ने इनाम याफ्ता चार तबके बनाए हैं, पहला तबका अंबिया का, दूसरा औलिया में वो बुलंद तरीन तबका जिनको सिद्दीकीन कहते हैं, तीसरा औलिया का वो तबका जिन्हें शुहदा कहते हैं, ये औलिया का एक तबका, और चौथा औलिया का वो तबका जो सालेहीन हैं, इब्तदाई दर्जे के अल्लाह के मुकर्रब बंदे सालेहीन। फरमाया अगर तुम ये ताल्लुक वफादारी का और ताबेदारी का और फरमा बरदारी का सिद्ध इखलास और मोहब्बत और ताअत के साथ निभा लो तो अल्लाह ने वादा फरमा दिया है कि जन्नत में तुम्हारे दर्जे जो भी होंगे अल्लाह तुम्हें इन सारों के साथ जोड़ देगा, इन सारों के साथ जोड़ देगा, वहाँ महरूमी नहीं रहेगी।
महरूमी नहीं रहेगी। मअल्लज़ीना कहकर कि उनके साथ अल्लाह उनकी माइयत अता फरमा देगा, उनके साथ जोड़ देगा। और एंड पर फरमाया वहासुना उलाइका रफीका, ये कितने अच्छे रफ़का होंगे, ये कितने अच्छे रफ़का होंगे, कितने अच्छे रफीक होंगे, ये इरशाद फरमाया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमा दिया कि इस वफादारी, मोहब्बत और तात गुजारी, फरमा बरदारी के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उनकी रफाकत अता कर देगा। हसुना उलाइका रफीका, उनकी रफाकत नसीब हो जाएगी, अंबिया की, सिद्दीकीन की, शुहदा की और सालेहीन की, यानी अंबिया और औलिया की रफाकत नसीब हो जाएगी। मगर वो रफाकत जो जन्नत में और आखिरत में नसीब होगी, कुरान मजीद ने शर्त आयद कर दी, उस रफाकत की दाग बेल इसी दुनिया में रखनी पड़ती है, उसकी बुनियाद इसी दुनिया में रखनी पड़ती है। मैंने जब इसको अलहुब अलमहब्बा फिल्ला भी कहते हैं, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, और पहले ज़मानों में कुरून उला में सलफ़ सालहीन का ज़माना और इब्तदाई सदियों का, बड़ी हस्तियों का ज़माना, बड़े बड़े अकाबिर औलिया का, उस ज़माने वो इसी ताल्लुक़ को अलखुव्वा के उन्वान से याद करते, अपनी किताबों में लिखते, रसायल लिखते और अपने अदब सीखने वालों को अलखुव्वा के नाम से इसके आदाब सिखाते, तालीम देते। अलखुव्वा भाईचारा, जिसको सादा लफ्ज़ों में कहते हैं, एक बंदा दूसरे का भाई बन जाए, इसी की बुनियाद और दाग बेल आका अलैहिस्सलाम ने रखी। जब मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमा के मदीना तशरीफ़ ले गए तो सहाबा कराम को जमा करके सबसे पहला काम जो आका अलैहिस्सलाम ने किया, सबसे पहला काम मदीना का इस्लामी मुआशरा कायम करने के सिलसिले में पहला काम, अभी मस्जिद नबवी भी नहीं बनाई थी, अभी मस्जिद का संगे बुनियाद भी नहीं रखा था, उससे भी पहले जो पहला काम किया वो आका अलैहिस्सलाम ने सब कलमा पढ़ने वालों के दरमियान, वो आका अलैहिस्सलाम की निस्बत से उनका लकब सहाबा हो गया ना, मगर जो आका अलैहिस्सलाम के कलमा गो थे, मुसलमान हो चुके थे हुजूर के सहाबाए कराम, उनको खड़ा करके उनके दरमियान उम्मत कायम की। उन्हें अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रिश्ते मोहब्बत के बायस आपस में उखुव्वत के रिश्ते में परोया, ऐसे उनको जोड़ दिया और उसका नाम रखा अलमुआखात। अलमुआखात उखुव्वत से है, यानी उनको एक को दूसरे का भाई बना दिया। यानी जो रफाकत काम आनी है जन्नत में, क़यामत के दिन, आखिरत में, उसकी बुनियाद, रिश्ते की बुनियाद यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने रख दी और इस्लामी मुआशरे की बुनियाद ही यहाँ पे रखी। ये जो ताल्लुक है इसको कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने हसुना उलाइका रफीका, कुरान मजीद ने इस ताल्लुक को, जिसको आका अलैहिस्सलाम ने उखुव्वत का टाइटल दिया था, अल्लाह पाक ने इसको रफाकत का टाइटल दिया। फरमाया ये कितने अच्छे रफीक हैं और कितनी अच्छी रफाकत है। माना एक है, सो बाद अज़ां इस उखुव्वत और रफाकत के हुकूक और आदाब बयान करते थे औलिया और सूफिया और आइम्मा और सलफ़ सालहीन, वो जब आदाब बयान करते थे तो उस मज़मून को उन्होंने अलफुतुव्वा का नाम दिया। अलफुतुव्वा, इस पर किताबें लिखी,
کہ رفاقت کے آداب کیا ہیں، اخوت کے حقوق کیا ہیں، رفاقت کے حقوق کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں، اس پر کتابیں لکھتے تھے اور یہ مجالس میں پڑھتے تھے، سناتے تھے، سمجھاتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے اور عمل کراتے تھے، اس سے اخلاق سنورتے تھے۔ 1981 میں جب میں نے تحریک منہاج القرآن کی داغ بیل رکھی تو میں نے وہی الحب فی اللہ کا اور الاخوہ کا رشتہ پھر سے زندہ کرنا چاہا اور میں نے اس کو رفاقت کا نام دیا، قرآن مجید کا نام دیا، اور اسی بنیاد پر یہ جب آپ وابستہ ہوتے ہیں تو اس کا نام رفیق رکھا، حسن اولئک رفیقا سے لے کر، کہ یہ رفاقت اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول کی محبت میں اگر قبول ہو جائے تو یہ آخرت میں اور قیامت کے ساتھ جنت میں کام آئے گی۔ اب یہ ایمان کا شیوا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، تو ایمان اور نیک عمل کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ خدا رحمان ان قریب ان کے لیے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت، مودت، اخوت اور رفاقت، قلبی یہ تعلق پیدا کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، مودت ڈال دے گا۔ اب یہ جو ودا ہے، آپ اس کی عظمت دیکھیے، یہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے فرمایا اللہ پاک، یہ دیکھیے کیا ہے، ہم ایمان لائے، عمل صالح کیے، تو اس کا اجر تو یہ ہونا پہ جنت میں پہنچا دے گا، اجر تو یہ ہونا چاہیے کہ درجہ یہ عطا کر دے گا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، ان کے دلوں میں، ایک دوسرے کے دلوں میں، ایک دوسرے کے لیے محبت، مودت پیدا کر دے گا، وہ ایک دوسرے کے بھائی اور رفیق بن جائیں گے قلبی۔ یہاں پر بات ختم کر دی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ایمان لانے والا اور ہر عمل کرنے والا، اس کے لیے یہ تو متعین نہیں ہے کہ اس کو کون سا جلدہ درجہ الاٹ ہوگا، اس کو جنت میں کہاں مقام ہوگا، اور جنت کی ہر ایک کے لیے گارنٹی بھی نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں اعلیٰ مقامات پائیں گے، اعلیٰ درجات پائیں گے آخرت میں، کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں بغیر حساب کتاب کے بخشش ملے گی۔ یہ کہ قیامت کے دن چار قسموں کے لوگ ہوں گے، کل قیامت کا دن محشر چار طبقات میں تقسیم ہوگا، بولیے کتنے؟ چار طبقات میں۔ ایک طبقہ کفار و مشرکین کا، جن کے لیے خلود فی النار ہے، وہ دوزخ میں جائیں گے اور دائمی دوزخ میں رہیں گے، ایک طبقہ، یہ ایک طرف ہو گیا اہل شمال، خلود فی النار، دائماً دوزخ میں رہیں گے۔ اس کے بعد باقی جو مومن ہیں، مسلمان، ان کے پھر تین طبقے ہوں گے، ان کے تین طبقے ہوں گے۔ ایک طبقہ ایسا ہوگا جو جہنم میں بھیجا جائے گا، مسلمانوں کا جہنم میں بھیجا جائے گا اور عذاب بھگت کر بالآخر جنت میں جائے گا، عذاب بھگت کر، جتنا بھی عذاب کا ان کا ٹینیور ہوگا، ٹرم ہوگا، ان کے حالات کے مطابق وہ اپنا عذاب پورا کر کے یا بعد ازاں شفاعت کے ذریعے جہنم سے نجات پا کر جنت میں جائے گا، ایک طبقہ وہ۔
दूसरा तबका मुसलमानों का वो होगा जो बग़ैर अजाब के जन्नत में जाएगा मगर पूरा हिसाब देने के बाद। एक तबका जाएगा बाद अजाब जन्नत में, अब दूसरा तबका बता रहा हूं कि वो बिदून अजाब बग़ैर अजाब के जन्नत में जाएगा मगर बादल हिसाब, तराजू लगेंगे, वो तोले जाएंगे आमाल, हिसाब होगा और हिसाब के और थर थर कांप रहे होंगे। उस हिसाब में करम नवाजियां भी होंगी, इनायतें भी होंगी, शफकतें भी होंगी, मुआखजा भी होगा, मुहासबा भी होगा, सब कुछ होगा। पूरे हिसाब के बाद उनके आमाल नेक बढ़ जाएंगे जब अल्लाह पाक उन्हें हिसाब के बाद जन्नत दे। ये दूसरा तबका होगा, तो उन पर अजाब नहीं आएगा, हिसाब ही के बाद जन्नत में जाएंगे। एक तबका तीसरा होगा, और वो तीसरा तबका होगा कि जन्नत में जाएगा बग़ैर हिसाब के, ना अजाब ना हिसाब, उनका हिसाब ही नहीं होगा, तो वो बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। चार तबके गिन लिए ना, अब एक पांचवा तबका होगा, यानी मोमिनीन के अंदर चौथा तबका बना। उसूलन पहले चार तबके हो गए, कुफार और मुशरिकीन का अलग कर दिया, मुसलमानों के तीन तबके बने, वो बयान कर चुका। जन्नत में जाएंगे बादल अजाब, एक तबका जन्नत में जाएगा बादल हिसाब बग़ैर अजाब, और तीसरा तबका जन्नत में जाएगा बिदून हिसाब बग़ैर हिसाब व किताब के। तीन तबके। अब ये जो आखिरी तबका बताया बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाने वाला, इनमें एक किस्म और होगी, इनमें एक किस्म और होगी, और वो ये होंगे उनको हुक्म होगा कि आपका कोई हिसाब नहीं, जन्नत में जाओ। वो कहेंगे बारी ताला हम नहीं जाते। ये बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाने वालों की फिर दो किस्में होंगी, जिनको अल्लाह पाक क़यामत के तराजू लगने से पहले, तराजू लगने से पहले, आमाल तुलने से पहले, हिसाबो किताब शुरू होने से पहले आका अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरे महबूब अपनी उम्मत के वो लोग जो मैंने कोटा दे रखा है आपको और उनको बग़ैर हिसाबो किताब की बख्शिश का, सबसे पहले उन्हें जन्नत में भेज लें, बाद में हिसाब शुरू करते हैं, वो जन्नत में चले जाएं बाद में हिसाब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो तबका जन्नत में जाएगा। अब मैंने अर्ज़ किया ये बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाने वालों में दो किस्में होंगी, एक वो जो अल्लाह का शुक्र अदा करके चले जाएंगे, एक हिस्सा इनमें वो होगा बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाने वालों का जो कहेंगे बारी ताला हम नहीं जाते। उनसे पूछा जाएगा आप क्यों नहीं जाते, वो कहेंगे रफाकत, जो हमारी रफाकत में थे, जो हमारी संगत में थे, जो हमारी उखुव्वत में थे, जो हमारी मोहब्बत में थे, जो हमारी मुताबियत में थे, जिन्होंने ज़िंदगी हमारे साथ गुजारी थी, भले वो हमारे जैसे तो नहीं बन सके, दुनिया में वो हमारे साथ थे, दुनिया में वो हमारे साथ थे, अब जन्नत में हम उनको साथ लिए बग़ैर नहीं जाते, उनको साथ ले जाएंगे। ये तीसरा तबका, ये अहले ईमान में चौथा तबका होगा, वो कहेंगे जो हमारे साथी वो रफाका के लिए, अपनी संगत वालों के लिए, अपनी मोहब्बत वालों के लिए, अपनी मुताबअत वालों के लिए। ये तो इनकी दो किस्में हो गई ना, जिन्होंने बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाना था, कुछ चले गए और कुछ रुक गए, हम नहीं जाते। जब तक अपने साथियों को, रफ़क़ा को, अपने मोहब्बत करने वालों को, अपनी संगत सोबत और मुताबअत में रहने वालों को न ले जाएं, ये हो गया। उधर भी दो तबके होंगे दोज़ख़ वाले, कुछ वो होंगे
जिन्हें दोजख का हुक्मनामा जारी हो चुका होगा, अभी दोजख में दाखिल नहीं हुए होंगे, हुक्म जारी हो गया दोजख में ले जाओ इनको, अभी दाखिल नहीं हुए, और कुछ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी दाखिल दोजख में हो चुके होंगे, उनको दोजख में फेंका जा चुका होगा, उधर भी दो तबके होंगे। तो ये ईमान वाले जो रुक जाएंगे कि हम जो हमारे साथ थे अब हम उनका साथ छोड़ के जन्नत में नहीं जाते, तो जो तो बाहर होंगे उनको लेके ही चले जाएंगे जन्नत में, और जो दोजख में जा चुके होंगे उनको अल्लाह के अम्र से दोजख से चुन चुन के निकाल निकाल के साथ लेके जाएंगे। ये निज़ाम क़यामत होगा। अब ये जो मैंने खुलासा बयान किया, आगे मज़मून की तरफ हम आते हैं, ये मैं इस पर कुछ अहादीस नबवी बयान कर लूँगा आपको। आकल इस्लाम का फरमान कि ये महज एक पूरा तसव्वुर है जिसका ख्याल आपके सामने रख दिया, ये आकल इस्लाम का फरमान है। ये आपको मालूम नहीं है, मैं अब इन दिनों कुरान मजीद की तफसीर लिखने में मसरूफ़ हूँ, मैंने वो शुरू कर दिया जो हदीस पाक के काम की वजह से मुअख्खर थी, वो हदीस पाक का काम जितना करना था मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया, अब तफसीर शुरू की, मगर तफसीर उर्दू में नहीं लिख रहा हूँ, अरबी में लिख रहा हूँ, उर्दू में तर्जमा हो जाएगा, अरबी में लिखी हुई चीज़ का उर्दू में तर्जमा आसान है, और अंग्रेज़ी में तर्जमा भी डायरेक्ट बड़ी आसानी से हो जाता है, और अरब दुनिया में भी चीज़ पहुँच जाती है, उर्दू का तर्जमा हम जल्द करवा लेंगे। हमारे अपने अजीज़ तलबा हैं, शागिर्द हैं, लायक हैं, कर लेंगे, अगर उर्दू में लिखने का सिर्फ पाकिस्तान में वो चीज़ रह जाती है, न सारी ज़िंदगी अरब दुनिया में पहुंचती है और न मगरबी दुनिया में पहुंचती है। तो मैंने फ़ैसला किया कि तफसीर अरबी में लिखूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला उसकी दो जिल्दें यहाँ पहुँचने तक मुकम्मल कर दी। उसूल तफसीर और उलूमुल कुरान पर है पूरी जिल्द, और दूसरी जिल्द सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर पर है, दो जिल्दें मुकम्मल कर दी। अब इंशाअल्लाह ताला यहाँ से वापसी पर तीसरी जिल्द अल्लाह की तौफीक और इज़्ज़त से शुरू करूँगा, और वो सूरह बकरा से शुरू होगी। अब बकाया कोई छः जिल्दों में कोशिश करनी अल्लाह की तौफीक से मुकम्मल हो, ताकि आठ जिल्दों में जितनी पढ़ी जा सके सात आठ जिल्दों में मुकम्मल तफसीर हो जाए। ये उस तफसीर का, उस तफसीर में से एक हिस्सा है, मालिक यौमिद्दीन के तहत जो मैंने लिखा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और ये जो हदीस है ये मुख्तलिफ तुरुक से और मुख्तलिफ अल्फाज से सही बुखारी में आई है, सही मुस्लिम में आई है, उसके बाद तिरमजी में आई है, नसाई में आई है, इब्ने माजा में आई है, मुसनद अहमद बिन हम्बल में आई है, और कसीर कुतुब हदीस में, यानी मुत्तफक अलैह हदीस है, मुत्तफक अलैह हदीस। कोई शख्स ये गुमान नहीं कर सकता इस हदीस में सनदन या मतनन किसी लिहाज से कोई दाफ है, कोई कमज़ोरी है, और मुत्तफक अलैह हदीस ये बिनाए अकीदा होती है, ये हदीस इल्म कती देती है, इल्म कतई। ऐसी अहदीस पर और इतने तुरुक से तवातुर से आई ऐसी अहदीस पर अकीदा कायम किया जाता है, ये उसूल हदीस की बात है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं, अब अल्फाज सुनिए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फमा अंतुम बे अशद ली मुनाशदतन फिल हक قد تبين لكم من المؤمن يوم عزن للجبار। फरमाया तुम भी अपना जब हक लेना होता है, एक दूसरे से हक लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए झगड़ा करते हो, तकरार करते हो, बहस व मुबाहसा करते हो, और डट जाते हो कि हक लूंगा। फरमाया दुनिया में तुम लोग अपना हक लेने के लिए क्या झगड़ा करते हो,
दुनिया में अपना हक लेने के लिए तुम क्या झगड़ा करते हो, जो मेरे कुछ मोमिन मुकर्रब वली बंदे कयामत के दिन मुझसे झगड़ा करेंगे। गौर से फरमाया, तुम क्या झगड़ा करते हो? झगड़े का मंजर तो कयामत के दिन देखने वाला होगा, जो मेरे बंदे मुझसे हक लेने के लिए मेरे साथ करेंगे। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह वो क्या झगड़ा होगा? अल्लाह के बंदों की क्या मजाल के अल्लाह से करें? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो झगड़ा ये होगा, वइज़ा रऊ अन्नहुम कद नजौ फी इख्वानहुम। वो झगड़ा ये होगा कि जब वो देखेंगे कि उन्हें निजात दे दी गई है, जो मैंने बताया बग़ैर हिसाब व किताब के मुआफ़ कर दिया गया है, उनको जन्नत जाने का हुक्म दे दिया गया है, और उधर देखेंगे कि उनके कई साथी जो उनकी संगत में रहने वाले, उनके रोफका, उनके मुहिब्बीन, उनके मुतअल्लिकीन, उनके मुत्तबईन, जो उनके साथ रहते थे दुनिया में, जो उनके साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने उनके साथ रहने का अहदो पैमान कर लिया था और उनकी ताबेदारी करते थे, वफादारी करते थे, फरमा बरदारी करते थे, वो देखेंगे उनमें से बहुत से लोग वो दोजख में भेज दिए गए। तो वो अल्लाह के बंदे रुक जाएंगे, वो कहेंगे हम जन्नत में नहीं जाते। यकूलून रब्बना इख्वानुना कानू युसल्लून माना व यसूमून माना व यअमलून माना। बारी ताला, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे रफका हैं, रफीक हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारी संगत मोहब्बत और ताल्लुक में मुताबत में रहने वाले लोग हैं, ये हमारे साथ कई मरतबा। अब युसल्लून माना का मतलब ये नहीं कि सारी ज़िंदगी में सारी नमाजें ही साथ पढ़ते थे, कुछ पढ़ी होंगी, कभी कभी पढ़ते थे, उसी को कहा जाता। ये हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ रोज़े रखते थे, हमारे साथ एतिकाफ बैठते थे, यसूमून के तहत आ गया ना भैया, मलून अमा, और हमारे साथ और नेक अमल करते थे, इसमें एतिकाफ बैठना आ गया, इसमें और नेक अमाल करना आ गया। उन्होंने अपना ताल्लुक, अपनी रफाकत हमारे साथ जोड़ ली थी, अपनी संगत और सोबत हमारे साथ पुख्ता कर ली थी, और ऐसी थी कि नेक अमल भी, जिक्र अज़कार, हलकात, एतिकाफ और दीगर भलाइयाँ नेकियाँ हमारे साथ मिलकर करते थे। उनको तूने दोजख में फेंक दिया है, तो हम तो जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक अपने उन साथियों को दोजख से निकाल के जन्नत में ना ले जाएं। अब आप देखिए, इस हदीस पाक ने में आका अलैहिस्सलाम ने एक बार भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाबन ये जुमला बयान नहीं फरमाया, एक बार भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाबन ये नहीं फरमाया भाई वो दोजख में गए हैं तो अपने अमाल की वजह से गए हैं, अपने करतूतों की वजह से गए हैं, वो तो मियार और तकाजा पूरा नहीं कर सके, क्वालिफाई नहीं कर सके जन्नती बनने को, तो वो तो अदल हुआ है, अदल आपके साथ जो मैंने किया है वो आपका तकाजा था, अब उनको जो दोजख के हकदार थे दोजख भेज दिया, अब मैं दोजख से निकाल के अपना कानून तोड़कर, कानून तोड़कर तुम्हारे साथ उन दोस्तियों को कैसे भेज दूं जहन्नमियों को जन्नत में? एक बार भी अल्लाह पाक ने यह नहीं फरमाया। जब आपकी कोई बात होती है तो तकरार में कुछ ना कोई तो दूसरा आदमी कहता ही है ना, कुछ तो कहता है थोड़ी देर, अगर काम कर देने का इरादा भी हो तो चंद जुमलों की एक्सचेंज तो होती है ना, भई ये मुश्किल है, ये कैसे करें, उनका हक यही बनता था, मैं कैसे कर दूं, और लोग क्या कहेंगे, बाकी जहन्नमी क्या कहेंगे, जन्नती क्या कहेंगे, कि बारी ताला हम भी जन्नती और ये दोजखी भी जन्नती, यानी हमें तूने इनाम किया और जन्नत में भेजा और दोजखी भी जन्नत में, तो फर्क ही कोई नहीं रहा।
ये फ़र्क ही कोई ना रहा। 100 बातें बनती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जुमला भी नहीं बोला, एक जुमला भी। आका अलैहि सलाम तो वो मंजर बता रहे हैं जो क़यामत के दिन होगा, और आपके सामने तो क़यामत का मुस्तकबिल भी इसी तरह है जैसे हाथ के सामने एक चीज़ होती है। कैसा होगा, सब कुछ देख रहे हैं, जो कल क़यामत को होना है आका अलैहि सलाम अपने ज़माने में सब बता गए, और इसलिए बता गए कि क़यामत तक आने वाली उम्मत को ध्यान रहे कि ये होना है, इससे बचने के ये तरीके हैं। तो अल्लाह पाक ने जवाबन ये नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया वो बड़ी अजीब बात है। जब उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ अमल करते थे, अब जब हमारे साथ अमल करते थे इसका मतलब ये तो नहीं है कि माज़ अल्लाह उनका दोज़ख में भेजे जाने के फ़ैसले में कोई असेसमेंट में गलती हो गई, जजमेंट में कोई गलती हो गई, ये तो नहीं हो सकता कि जो दोज़ख में भेजा गया वो कोई कमी बेशी हो गई, वो हकदार न थे, ऐसा तो हो नहीं सकता माज़ अल्लाह, ऐसा तो सोचना भी कुफ्र है। अल्लाह का फ़ैसला है, और अल्लाह इसलिए अल्लाह का फ़ैसला था, और अल्लाह के फैसले को सुनकर वो औलिया अपने रफ़का, अपने मुहिब्बीन, अपने मुतअल्लिकीन, अपने मुत्तबईन उनके लिए खड़े हो गए हैं कि नहीं, ये जो फैसला दोज़ख में फेंकने का है हम नहीं जाते जन्नत में जब तक उस फैसले को मनसूख ना किया जाए और निकाल के जन्नत में ले जाना है। अल्लाह पाक ने आगे फरमाया फ़यकूलुल्लाहु तआला, अब आप देखिए हदीस पाक है, दरमियान में कोई जुमला नहीं है कि जिसमें थोड़ी सी बहस और तकरार भी होती है आपस में, इस तरह का माहौल नहीं। फरमाया अल्लाह पाक फरमाएंगे इज़हबू फमन वजदतुम फी क़ल्बिही मिसकाल दीनार मिन ईमान फ़अख्रिजूहु, जाओ वो जो दोज़ख में भेज दिए गए हैं अगर उनके अंदर उनके दिल में एक दीनार के बराबर भी ईमान पाओ तुम पाओ तो जाके खुद निकाल के जन्नत में ले जाओ, खुद ले जाओ जन्नत में। उनको ये फरमा कर वो चल पड़ेंगे दोज़ख की तरफ। अब ये बात बड़ी अजीब है, अब दोज़ख तो जलाती है, दोज़ख तो जलाती है, वो उनको निकालने जाएंगे तो दोज़ख की आग इनके लिए वैसी ही हो जाएगी जैसे नमरूद की आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हो गई थी, या नारु कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहीम, क्योंकि ये दोज़ख में से उनको निकालने जा रहे हैं। तो भाई दूर से खड़े होकर तो नहीं इशारा करेंगे ना निकल आओ, नहीं, फरमाया इज़हबू जाओ उनके पास, और जिनके जिस शख्स के दिल में एक दीनार के बराबर भी ईमान देखो ले जाओ जन्नत में निकाल कर। आगे इशारा फरमाया जब ये जाएंगे उधर अल्लाह पाक क्या करेगा, ये उस रफाकत का सिला है, ये उस अखुवत का सिला है, ये उस मोहब्बत और मुताबात का सिला है, ये उस संगत और माइयत का सिला है, जुड़ जाने का सिला है। अल्लाह पाक क्या फरमाएंगे वयुहर्रिमुल्लाहु सुवरहुम अलन्नार, इधर गुफ्तगु हो रही है उधर अल्लाह पाक दोज़ख को हुक्म पहले फरमा चुके होंगे, दोज़ख को हुक्म हो चुका होगा कि ऐ दोज़ख की आग खबरदार इन 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 बंदों को मेरे बंदों ने निकालने के लिए आना है, तुमने इनके चेहरे तक नहीं जाना, इनको जलाना नहीं कहीं उन्हें पहचानने में मुश्किल ना हो, इनके चेहरे बचे रहें ताकि वो आते ही पहचान सके, तो आग पर हराम कर दिया होगा उनकी सूरतों को जिलाना। फ़यातूनहुम वबादुहुम कद ग़ाब फ़िन्नार इला क़दम व इला अनसाफ़ साक़ई फ़युख़रिजून मन अरफ़ू फ़ुम्म यऊदून, वो जाएंगे फिर दोज़ख किसी के टखनों तक रहेगी, किसी के घुटनों तक रहेगी, किसी की पिंडली तक रहेगी, दोज़ख की आग उनको जलाएगी नहीं ऊपर, ये जाएंगे उन्हें पहचानेंगे अपने हाथों से निकाल के जन्नत में भेज देंगे, उनको जन्नत में भेज कर फिर खड़े हो जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, नहीं जाएंगे फ़यऊदून लौट आएंगे और कहेंगे बारी ताला तो खड़े हैं तो अभी नहीं गए, पर मैं और भी हैं हमारे लोग,
अल्लाह पाक फरमाएंगे इज़हबू, फिर जाओ। फमन वजद तुम फी कल्ब ही मिसकाला निसफ दीनार इन फाखरिजू, अब जिन जिन के दिलों में आधे दीनार के बराबर भी ईमान पाओ, जाओ उनको भी निकाल के जन्नत में भेज दो। वो जाएंगे और ऐसे लोगों को भी अपने साथियों को निकाल के जन्नत में भेज देंगे। हदीस के लफ्ज़ हैं थुम्मा यऊदून, फिर पलट आएंगे। अब क्यों आ गए हो? कहते हमारे अभी को आपने हद मुकर्रर की थी बारी ताला, पहले एक दीनार के बराबर ईमान, उनको जन्नत भेज दिया, फिर दूसरी बार आपने फरमाया आधे दीनार के बराबर जिनका ईमान हो उनको भी भेज दिया। अब उसके बाद और भी हमारे साथी हैं जिनके अंदर ईमान तो है मगर उससे भी कम है। अल्लाह पाक फरमाएंगे इज़हबू, फमन वजदतुम फी कल्बिही मिसकाल ज़र्रतिन मिन ईमान फ़ख़रिजू, अब जाओ जिनके दिलों में एक जर्रा के बराबर भी ईमान देखो, एक जर्रा, उनको भी निकाल के जन्नत में ले जाओ। तो हदीस पाक के अल्फाज हैं फयुख्रिजून मन आराफू, वो जाएंगे जिन जिन को पहचानेंगे उनको निकाल के जन्नत में भेज देंगे। फिर मैं अगली हदीस का मजमून इसके साथ मिलाता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी मुकाम पर लोगों को फयशफ़ उन्नबीयून वल मलाइकतु वल मुमिनून, जो मैंने बात शुरू की थी, फरमाया ये जो शफात होगी जो दोज़खियों को दोज़ख से निकाल के जन्नत में ले जाएगी, ये अंबिया भी करेंगे, मलाइका भी करेंगे और मेरी उम्मत के कई मोमिन बंदे भी करेंगे, मेरी उम्मत के कई मोमिन भी करेंगे, वो जिन औलिया और सालहीन की बात की, मोमिनीन की। फिर सही बुखारी और मुस्लिम के ये हदीस कई तरुक से बुखारी मुस्लिम में और कुतुब सिया में आई है, दूसरी रिवायत में इसी तरह जो मुत्तफ़क़ल है उसके अल्फाज ये हैं कि वो कहेंगे बारी ताला ये लोग कानू युसल्लून माना हमारे साथी थे, यसूमून माना यहुज्जून माना हमारे साथ, इन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज़ें पढ़ी हैं हमारे साथ, रोज़े रखे हैं हमारे साथ, हज भी किए हैं हमारे साथ और अमल भी किए हैं, फअदखलतहुमुन्नार, दूसरी हदीस की रिवायत में ये लफ्ज़ है, अर्ज़ करेंगे बारी ताला तूने उन्हें दोज़ख में डाल दिया। देखिए क्या लाड है अल्लाह के बंदों का, क्या लाड है, क्या भरोसा है, क्या एतमाद है। फअदखलतहुमुन्नार, तूने हमारे बंदों को दोज़ख में डाल दिया। उस पर अल्लाह पाक फरमाएंगे जो मैंने आपको सूरत पहले हदीस में तफसील बताई कि जाएं उनको निकाल के जन्नत में ले जाएं, और उस रिवायत में तीन मरतबा जाने का था, अब यही हदीस जो बुखारी और मुस्लिम में दोबारा एक और तरीक से पढ़ रहा हूँ, इसमें अल्फाज आते हैं पहली बार आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वह युख्रिजून खल्कन कसीरा, वो औलिया वो मोमिनीन कामिलीन वो सालेहीन जाएंगे और खल्के कसीर को दोज़ख से निकाल के जन्नत भेज दें। खल्कन कसीरा, पहली बारी बड़ी मखलूक को निकाल के जन्नत में भेज देंगे, जिन जिन को पहचानते जाएंगे भेजते जाएंगे। यह है दोज़ख और जन्नत का निज़ाम चल रहा है अल्लाह के बंदों के साथ, अल्लाह की मोहब्बत का आलम यह है, उस निज़ाम में अदल में यह निज़ाम फजल भी चल रहा है। फिर हदीस के अल्फाज हैं जब वो दोबारा आ जाएंगे अल्लाह पाक उनको फरमाएंगे फिर दोबारा जाओ, जो मैं मज़मून मुकम्मल कर चुका हूँ, फिर फरमाएंगे दोबारा लफ्ज़ आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फयुख्रिजून खल्कन कसीरा, ये दूसरी बार फरमाया, जब दूसरी बार जाएंगे फिर कसीर मखलूक को निकाल के जन्नत में भेज देंगे। फिर फरमाया इस हदीस में तीसरी बार फयुख्रिजून खल्कन कसीरा, हर बार आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर बड़ी मखलूक कसीर मखलूक को जन्नत में भेज के आएंगे। चौथी बार फिर फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो फिर अर्ज करेंगे सुम्म यकूलू रब्बना लम नजर फीहा मिम्मन अमरतना अहदन, बारी ताला अभी तक जो आपने हदें मुकर्रर की थी, जो हदें मुकर्रर की थी उस हिसाब से तो सारों को निकाल के हमने भेज दिया, मगर उन हदों से नीचे भी अभी हमारे कुछ बंदे हैं, उन हदों से नीचे भी कुछ बंदे हैं,
اللہ پاک فرمائیں گے چوتھی بار ثم یقول ارجعوا ثم یقول ارجعوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر فاخرجوه، جاؤ اپنے بندوں میں جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر پاؤ نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ فرمایا چوتھی بار جائیں گے فیخرجون خلقا کثیرا، اور چوتھی بار پھر کثیر مخلوق کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی تو بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں اگر تمہیں میری اس بات پر یقین نہ آئے، اب صحابی کہہ رہے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، تابعین کو روایت کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام سے یہ نہیں سنا تھا، فرمایا اگر تمہیں یقین نہ آئے میری بات پر تو فقرؤوا ان شئتم، چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرے گا۔ یہ تو ایک حکم ہو گیا حکم عدل۔ پھر فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اللہ کا یہ نظام بھی ہوگا جس کی تھوڑی سی بھی نیکی ہوگی، تھوڑی سی بھی نیکی ہوگی اور وہ نیکی کم ہوتے 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 حتیٰ کہ اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ تعلق، محبت، مودت، رفاقت اور مطابقت کی بھی نیکی رہ جائے، اتنا تعلق بھی رہ جائے۔ ان تک حسنتن، کوئی نیکی کوئی خیر اگر انہوں نے زندگی میں کما لی، یضاعفھا، اللہ پاک ان اپنے مقرب ولیوں کے صدقے ان کی نیکی کا اجر بڑھا دے گا، نیکی چھوٹی ہوگی اجر بڑھا دے گا، اور اجر بڑھا کر پھر بھی اگر کمی رہ جائے گی نیکی کے حساب سے وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے اپنے خزانے سے اور اجر عطا کر دوں گا تاکہ میرے بندے شرمسار نہ ہوں، وہ خوش ہوں جنہوں نے زندگیاں میری خاطر گزاری تھیں، جنہوں نے ساری زندگی میری رضا پہ قربان کر دی تھی، جنہوں نے لوگوں کو میری راہ پر لگایا تھا، جنہوں نے ہر شے سے قطع تعلق کر کے میرے ہو گئے تھے، جو لوگ جو میرے وفادار تھے، قیامت کے دن آئے تو ان وفاداروں کی اتنی عزت رکھی جائے کہ جو ان کے وفادار تھے، اللہ فرمائے گا میں اپنے وفاداروں کی عزت اور لاج یوں رکھوں گا کہ جو ان کے وفادار تھے زندگی میں، ان کی نیکی چھوٹی بھی ہوگی بڑی کر دوں گا، اور بڑی ہو کر بھی جنت کے قابل نہیں ہوگی، اپنے خزانے سے وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے خزانے سے اور اجر ڈال دوں گا اور کہوں گا میرے وفادار ہیں، جن کو چاہتے ہو لے جاؤ جنت میں، جنتیں تمہاری ہیں، میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس پر دلیل سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت کی دے دی، قرآن مجید کی آیت کی، اور حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَيُنَجِّ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جن جن کو چاہیں گے اپنی رحمت سے نجات دے دیں گے، وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، ثم یؤذن للملائکہ، پھر فرشتوں کے اذن ہوگا تم بھی شفاعت کر لو، جن کو بھجوانا ہے جنت بھیج دو، والنبیین والشہداء، اور ایک اور حدیث میں والعلماء صالحین، اولیاء علماء صالحین شہداء نبیین ملائکہ مقربین، یہ سارے اپنی اپنی شفاعت کر کے بھیجیں، اور وہ شفاعت کا نظام کیا ہوگا، یہ وہ جنہوں نے داغ بیل دنیا میں اس تعلق کی رکھ لی، فرمایا اگر اتنا تعلق بھی رکھ لیا نا، اتنا تعلق بھی رکھ لیا کہ کسی سنگت و رفاقت میں جڑ گئے اور اس سے محبت اور مطابقت کا رشتہ بنا لیا، اس کو بھی اللہ پاک نیکی میں شمار کر کے اس کی لاج رکھے گا۔ اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام سے وعدہ فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے اس کا ارشاد صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے صحیحین میں، سہل بن سعد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا، میری جنت میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر راوی بیان کرتے ہیں بخاری اور مسلم میں کہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا 700,000 یا 70,000 یا فرمایا 700,000 لوگ، 700,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور وہ کس طرح جائیں گے؟ فرمایا متماسکون آخذ بعضهم ببعض، جو جس جس کے ساتھ تعلق میں جڑا ہوا ہوگا، جس جس کے ساتھ، وہ ہاتھوں سے ہاتھ جوڑ لیں گے، اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیں گے، زنجیر بنا لیں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کو پکڑ لے گا، وہ آگے کو پکڑ لے گا، وہ اس سے آگے کو پکڑ لے گا، زنجیر بنا کر متماسکون آخذ بعضهم ببعض، وہ سارے جڑ کر ایک قطار میں جنت میں جائیں گے، اور ان کا جو سربراہ ہوگا، جس سے ان کی محبت تھی، جس سے ان کی رفاقت تھی، جس سے ان کی متابعت تھی، جس سے ان کی محبت اور مودت تھی، اور جس سے ان کی وفاداری تھی، وہ جنت کے دروازے پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کھڑا رہے گا۔ وہ اگر 70,000 ہیں یا 700,000 ہیں، وہ ساری قطار کو گزارتا رہے گا وہ شخص، ایک، یہ ایک کا واقعہ بتا رہے ہیں، ایک کا وہ گزارتا رہے گا۔ فرمایا لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم، وہ پہلا شخص اس وقت تک خود جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کی قطار کا آخری شخص بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، اور آقا نے فرمایا میں تمہیں پہچان دے دوں، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ یہ پہلی حدیث، آقا نے فرمایا یدخل من امت الجنۃ 70,000 بغیر حساب، جو میں بات کر چکا ہوں، بغیر حساب کے یہ 70,000 جائیں گے۔ اس پر آگے حدیث، جب آقا علیہ السلام نے یہ حدیث سنائی، سیدنا صدیق اکبر روایت کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی تھے اور صحابہ تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آگے یہ حدیث پوری سننے والی، آپ اس میں کچھ زیادہ کروا لیتے اللہ سے، یہ تو چھوٹا کوٹا ہو گیا، قیامت تک آپ کی امت نے چلنا ہے، یا رسول اللہ آپ کچھ زیادہ کروا لیتے۔ آقا نے فرمایا سنو، ابھی تو تمہیں پہلی بات بتا رہا ہوں، میں نے زیادہ کروا لیا، میں نے زیادہ کروا لیا۔ اور روایت یہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی، میرے رب نے مجھ سے مشورہ کیا۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، میرے رب نے مجھ سے استشارنی، مشورہ کیا اور پوچھا محبوب اب بتائیں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں، کیا معاملہ کیا جائے، مشورہ کیا۔ فقال تعالی ماذا افعل بهم، مجھے فرمایا بتائے محبوب آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ فقال تعالی لا احزنک فی امتک یا محمد ولا سوف یعطیک ربک فترضى، میرے محبوب میں وعدہ کر چکا ہوں کہ آپ کو راضی کروں گا، اتنا کچھ دوں گا فترضى، آپ راضی ہو جائیں، آپ کہیں گے مولا میں راضی ہوں، اب بتائیں میں آپ کو مغموم نہیں دیکھنا چاہتا، اب غم زدہ نہ ہوں، کیسے خوش ہوتے ہیں میں اسی طرح معاملہ کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ پاک نے فبشرنی ان اول من يدخل الجنة من امتی 70,000، پھر اللہ پاک نے مجھے بشارت دی کہ اے میرے حبیب قیامت کا دن جب آغاز ہوگا تو سب سے پہلی ایکٹیویٹی قیامت کی، سب سے پہلا عمل یہ ہوگا کہ آپ کی امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كُلِّ أَلْفٍ 70,000 لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ،
یہ بھی اسناد حسن اور صحیح. فرمایا پھر ان 70,000 کے ساتھ ہر 1,000 کے ساتھ پھر 70,000 کو بھیجا. 70,000 میں 70 طبقے بنا دوں گا, 1,000 کے 70 گروہ بن جائیں گے. ہر 1,000 کے ساتھ پھر 70,000 بھیجوں گا, اور کسی ایک پر حساب و کتاب نہیں ہوگا, پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی, ان کی کتابیں ہی نہیں کھلیں گی. ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 جائیں گے. یہ حدیث صحیحہ ہے, اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا, امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں. آگے تیسرا درجہ بیان کر رہا ہوں. جب یہ ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں, یہ مسند احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل نے اپنے طریق سے روایت کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب یہ ہو چکی تو ہم نے کہا, جو میں نے کہا, صحابہ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا, یا رسول اللہ ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 جائے گا, یہ بھی تھوڑا ہے. پوچھا, یا رسول اللہ اس سے اور زیادہ نہیں کروایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا, فاستزدت ربی, جب اس نے مجھے فرما دیا کہ ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 جائے گا بغیر حساب کے, تو میں نے عرض کیا باری تعالیٰ میرے لیے اور بڑھا. فاستزدت ربی, میں نے اپنے رب سے اور مانگا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت والے لوگوں کا کوٹا اور بڑھا. فزادنی مع کل واحد 70,000. جب یہ بات ہو گئی تو 70,000 تھے. اللہ پاک نے فرمایا, محبوب آپ کو راضی کرنے کے لیے ان 70,000 میں ایک شخص کو 70,000 کا کوٹا دے دوں گا. ایک شخص کو, پہلے تھا 1,000 کے ساتھ 70,000 جائے گا, اب تیسرے سوال پر اللہ پاک نے فرمایا, میرے حبیب ان میں سے ایک شخص کو اجازت ہوگی, چن کر 70,000 لے جائیں گے. اب یہاں میں ایک تعلیقاً ایک بات کہنا چاہتا ہوں, علماء کرام کی خاص توجہ اور باقی اہل علم سنیں, وہ یہ کہ اس سے قبل میں احادیث بخاری مسلم کی متفق علیہ بیان کر چکا ہوں, جس میں انہوں نے کہا اللہ پاک نے 4 مرتبہ ان صالحین اولیاء کو بھیجا اور دوزخ میں جلتے ہوئوں کو لے کر گئے. یہ آپ سن چکے ہیں. اب ان کے بعد یہ حدیث لایا ہوں. اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کو بھیجوں گا ایک کے ساتھ 70,000, یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے بغیر حساب کے. یہ گفتگو ہو رہی ہے, بولیے, بغیر حساب کے. 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے. پھر لکل واحد لکل رجل 70,000, ان میں سے ہر ایک پھر 70,000 لے کے جائے گا. یہ تو 70,000 ایک اللہ کا خاص مقرب بندہ اور ولی بغیر حساب کے لے کے جائے گا. اور وہ جو میں نے پہلے بیان کیا, وہ لوگ تھے جن کا حساب ہو چکا تھا اور حساب کے نتیجے میں دوزخ میں جا چکے تھے, اور وہ اس سے زائد ہوں گے جو دوزخ میں جلتے ہوئوں کو نکال کے پھر جنت میں لے کے جائیں گے. یعنی ایسے بھی ہوں گے جن کا کچھ اللہ کے ولی حساب و کتاب بھی نہیں کرنے دیں گے. یہ میرے بندے, ان کا حساب بھی نہ ہو, باری تعالیٰ مشکل میں پڑ جائیں گے, یہ شرمندہ ہوں گے. کئی ایسے ہوں گے جنہیں بغیر حساب لے جائیں گے, کئی ایسے ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہوگا اور دوزخ سے نکال کے لے جائیں گے. اس مضمون کی حدیث کو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی روایت کیا, سیدنا ابو بکر صدیق سے. انس بن مالک نے روایت کیا, عمر بن حزم نے روایت کیا, حضرت عامر بن عمیر نے روایت کیا, اور امام احمد بن حنبل نے اس کی تخریج کی, امام ابو یعلیٰ نے مسند میں تخریج کی, امام بزار نے تخریج کی, امام بہقی نے تخریج کی, اور امام دیلمی نے تخریج کی. اس کے اسناد حسن ہیں اور کثیر شواہد اور تبابعات میسر ہیں اس حدیث کے. اب آپ اندازہ کر لیں, یہ ایک نسبت اور تعلق ہے, یہ ایک نسبت اور تعلق ہے جس کی لاج قیامت کے دن اس طرح رکھی جائے گی. قیامت کے دن اس طرح رکھی جائے گی
ये जो सोहबत है, संगत है, रफाकत है, ये जो ताल्लुक है, ये असर डालता है दुनिया में भी और क़यामत के दिन भी इसके फैज़ से मारूम नहीं होंगे। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया अल-अखिल्ला यौमाइज़िन बादहुम लिबादिन अदुव्वुन, सारे दोस्त और रिश्तेदार और संगत और उल्फत मोहब्बत रखने वाले क़यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। माल और दौलत की मोहब्बत, दोस्ती, खूनी रिश्तों के का ताल्लुक, बिरादरियों का ताल्लुक, कोई काम नहीं आएगा। फरमाया इल्लल मुत्तकीन, जिन लोगों ने अपनी संगत, रफाकत, दोस्ती, मोहब्बत, मवद्दत, मुताबियत और रिश्ता रूहानी अल्लाह के मुत्तकी बंदों के साथ कायम कर लिया होगा, वो क़यामत के दिन भी काम आएगा। ये कुरान मजीद की नस सरी है, नस कती। मुत्तकीन की दोस्ती और उनकी रफाकत और उनकी संगत, उनके साथ इखलास पर मबनी ताल्लुक क़यामत के दिन काम आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायदा मुकर्रर फरमा दिया, कायदा, जहाँ सारी ताल्लुकात बेफायदा हो जाएंगे वहाँ अहले तकवा के साथ जो ताल्लुक है वो क़यामत के दिन नफा बहाएगा। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ये बात हमेशा अपने सहाबा को बताया करते, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, और ये हदीस जो अब पढ़ रहा हूँ ये भी मुत्तफ़क़ अलैह है, बुखारी और मुस्लिम की। क़ाला जा रजुलुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज़ किया आका कैफ़ तक़ूलु फ़ी रजुलिन अहब्ब क़ौमन वलम यलहक बिहिम, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب, अर्ज की आका आप उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं, ये अब उस संगत और रफाकत और उस मोहब्बत और मवद्दत और वफादारी और ताबेदारी का जो रिश्ता है उसका बयान आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। अर्ज की आका उस शख्स के बारे में आप क्या फरमाते हैं जो शख्स एक कौम के साथ, एक तबके के साथ, कुछ लोगों के साथ मोहब्बत तो करता है मगर अपने आमाल में उनके बराबर नहीं हो सका, उनसे मिल नहीं सका। मुहद्दिसीन ने और रिवायात हदीस लेकर बयान किया कि इससे मुराद है कि वो अपने आमाल में उन जैसा नहीं बन सका, उनके साथ मिल नहीं सका, उन जैसे आमाल बराबर नहीं कर सका। मोहब्बत करता था, ताल्लुक है उसका, कल्ब उसका जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? आका ने फरमाया अलमरो मा मन अहब्बा, क़यामत के दिन और जन्नत में, क़यामत के दिन जिस शख्स को जिससे मोहब्बत होगी अल्लाह उसको उसके साथ जोड़ देगा, उसके साथ मिला देगा। अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना और उस मोहब्बत की वजह से किसी की संगत में रहना, किसी की रफाकत में रहना, किसी की मुताबअत इख्तियार करना, किसी से मोहब्बत और मवद्दत इख्तियार करना और किसी से जुड़ा रहना, ये जो कुर्बत है, ये जो संगत है, ये जो रफाकत है, ये जो सोहबत है, जितनी ज्यादा करीब और पुख्ता होगी उतना फैज दुनिया में भी और आखिरत में होगा। उसकी कुछ मिसाल देना चाहता हूं। ये मैंने कुछ फल मंगवाए हैं, कुछ सब्जियां मंगवाई हैं आपको मिसाल देने के लिए। ये उठाएं बेटे, आ जाए इधर, आ जाए, चलो, ये मियाँ ज़ाहिदुल इस्लाम पकड़ें, इसको सीधा करें, इसका रंग देखिए क्या है, बोलिए, दिखाएं ना सबको, ये तरबूज है, इसका रंग क्या है, ऊंचा बोले, सुर्ख। अब इसका उल्टी सेम दिखाएं, ये तरबूज की बैरूनी हर रोज आप देखते हैं खाते, इसका रंग क्या है जी, क्या है, सब्ज, इसकी मोटी जिल्द है, ये जो जिल्द है ना इसका जो छिलका इतना मोटा है। अब ये तरबूज जो पका आप खरीद के लाए ये तो सब्ज रंग का है बाहर से, अंदर तो किसी को कोई पता नहीं था इसका सब्ज रंग है। जब इसको काटा अंदर की जिल्द, इस छिलके के अंदर का हिस्सा, ये सब्ज नहीं है, सफेद बना और थोड़ी थोड़ी सुर्खी चढ़ गई,
क्यों? ये जो हिस्सा था इसको इस अंदर वाले गूदे की संगत, रफाकत और सोबत नसीब हुई, ये अंदर वाले उस गूदे के साथ जुड़ा रहा, ये जो हिस्सा था ये बाहर रहा, छिलका मोटा था, नफ्स का पर्दा, ख्वाहिशात का पर्दा, शहवात का पर्दा, अपनी जात का पर्दा ट्रांसपेरेंट नहीं था, मोटा था, अंदर का हिस्सा जुड़ा रहा, उसने उसका रंग बदल दिया, इसका रंग सफेद कर दिया और कहीं कहीं सुर्खी चढ़ा दी, हर जगह रंग सफेद कर दिया, बाहर सब्ज रहा। देखिए अब ये सब्ज कहां से आ गया, ये बाहर के असरात थे, जहां ये बना पका वहां बाहर के असरात थे, माहौल के असरात रंग बदल देते। हमारे बच्चे बच्चियां आजकल सोशल मीडिया है, सेलफोन हैं, ऑनलाइन मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं, उनके ऊपर क्या क्या लघवियात और बुरी चीज़ें और शहवानी चीज़ें, नफसानी चीज़ें, पलीद चीज़ें देखते और उनमें निगाहें अपनी डालते हैं। ये बेटे और बेटियों के लिए जहाँ तक आवाज़ जा रही है, ये जो सोहबत है हर माँ वक्त बुरी चीज़ों को देखना, ये रंग बदल देते हैं, ये रंग इसका सब्ज हो गया। अब ये चूंकि जिल्द मोटी थी, अंदर जो रंग था उस रंग ने चूंकि जब शुरू हुआ तो ये सफेद था, शुरू में सफेद होता है, रंग सफेद चढ़ गया, और अब ज्यादा छुरी से काट दें तो सफेद निकल आए और थोड़ा थोड़ा काटें तो सुर्खी चढ़ी रहती है, उसने अपना रंग चढ़ा दिया, पर्दे दबीज थे, ये सफेदी बाहर नहीं जा सकी। अगर पर्दा पतला हो जाए, रियाजत और मुजाहदा और तज़किया और इबादत और तात मेहनत से पर्दा पतला हो जाए तो अंदर जिस सफेदी इस पर आई है, ये सफेदी बाहर चेहरे पर भी आ जाए, ये बदन पर भी आ जाए, जाहिर पर भी आ जाए, अंदर रंग और हो गया है, बाहर रंग, बाहर का रंग बाहर की वजह से है, अंदर का रंग मन का रंग अंदर बदल दिया है। ये देखें करेला है, क्या रंग है इसका, ये बाहर जहां लगा पका उस माहौल ने इसको सब्ज कर दिया। अब सवाल ये है भाई, अगर जमीन से जो तासीर आ रही है, पानी आ रहा है, खाद आ रही है, जो कुछ जमीन से आ रहा है, ये खूबसूरत रंग है, बाहर जो रंगत बनी है ये रंगत अंदर नहीं जा पाई, अंदर सफेद है, बाहर के माहौल ने इसका रंग सब्ज कर दिया, अंदर फल सफेद था, उसने इस केले, इस करेले की अंदर की जिल्द को भी सफेद कर दिया, ये जिल्द इसके साथ जुड़ी हुई थी, इसकी रफाकत में थी, इसकी सोबत में थी, इसकी मवद्दत में थी, इसकी कुर्बत में थी, तो जो जिल्द का हिस्सा इसके करीब था उस पर वही रंग चढ़ गया जो फल का अंदरूनी रंग था, जो इससे बाहर था उस पर बाहर वालों का रंग चढ़ गया। इसकी जिल्द मोटी थी, जिल्द मोटी थी, रंग नहीं चढ़ा। यह केला है, इसकी जिल्द पतली है, जरा देखिए, यह नफ्स की जिल्द है, नफसानी शहवतों की जिल्द है, ख्वाहिशों की जिल्द है, जिंदगी के हिरस हवस की जिल्द है, जिनको पतला नरम और करने के लिए सारी रात मेहनत करता हूं, इसकी जिल्द पतली थी, बाहर के माहौल ने इसको काला किया, कहीं कहीं ब्राउन किया, भूरा किया, कहीं स्याही रंग दिया, बाहर सारे रंग चढ़ते गए, मजमूई तौर पे पीला रंग रहा, पीला, मगर जब इसकी पतली जिल्द उतरी, अंदर केला चूंकि सफेद रंग का था, उसने अंदर की सारी जिल्द अपना रंग चढ़ा दिया, सफेद कर दिया, अंदर उसने अपना रंग चढ़ा दिया, सारा देख अपना रंग चढ़ा दिया, जो जिसके साथ जुड़ा रहता है उसका रंग चढ़ जाता है, जो जिसके साथ जुड़ा रहता है उसका रंग चढ़ जाता है, और अगर नफ्स की और ख्वाहिशों की और शहवतों की और हिर्स की और लालच की और तकब्बुर की और अदावत की और बुग्ज की
और कीने की और परवर और इनाद की और गुस्से की और दुनिया परस्ती की, अगर ये जल्द मोटी हो जाए बंदे की शख्सियत में, तो अंदर का रंग अंदर से बाहर नहीं आ सकता। अगर ये जल्द पतली हो जाए तो अंदर का रंग बाहर तक भी आ जाता है। इसलिए कुछ लोग जिनके बाहर से भी नूर छलकता है, कुछ लोगों के अंदर तक नूर पैदा होता है, और कुछ लोग सोबत में ही नहीं रहते तो बेनूर रहते हैं। ये देखिए, ये अलीची है, इसको आबो हवा से, धूप से, दरख से जो रंग मिला वो सुर्ख मिला, ठीक है, सुर्ख रंग मिला ना। अब इसको खोलते हैं, अंदर फल इसका, यानी ये एक ही चीज है, ये मुख्तलिफ तहें हैं, बाहर सुर्ख रंग चढ़ रहा है, अंदर सारा फल नूर की तरह चांदी की मानिंद है। और चांदी की मानिंद जो फल है, इसी इलीची की जो जिल्द है बाहर का छिलका, इसके अंदर को देखें वो भी चांदी की तरह सफेद हो गया है, बाहर की सुर्खी अंदर नहीं आ सकी, अंदर चांदी की तरह रंग है गोरा, उसने इसकी अंदर की जिल्द को भी आप देखें उसी चांदी की माने सफेद कर दिए, चमकदार कर दिए। जिल्द का छिलके का अंदर का हिस्सा चूंकि इलीची के फल से जुड़ा हुआ था, जो हिस्सा जुड़ा हुआ था उसका रंग बदल गया, जो हिस्सा जुड़ा हुआ नहीं था उसका रंग और रहा। ये देखिए, ये टमाटर है, अब इसकी जिल्द अलग है ही नहीं, इसकी जिल्द अलग इसने फना कर दिया, अपने जाहिर को फना कर दिया, तो जो रंग अंदर था वो सारा बाहर भी एक ही हो गया। इसको काटो बेटे, काट दो परे, इसने अपने जाहिर की कुछ चीज रखी नहीं, इसने फना कर दिया, तो अंदर जो फल का रंग था वो इसके बातिन में भी चढ़ गया, जाहिर पे वो सारा एक हो गया। आप उन सब फलों को देखें, जिस फल की का छिलका दबीज मोटा नहीं और आप उसको छिलका समेत खाते हैं, यानी उसका जाहिर कोई नहीं रहा, वो फना हो गया है, जैसे उसके अंदर का फल खाते हैं वैसे उसके छिलके को भी खाते हैं। देखो ना, केले के छिलके को नहीं खाते, उतार के खाते हैं, और जब आप इसको खाते हैं, क्योंकि छिलका उतरता है, बोलिए बोलिए, इस टमाटर का छिलका उतरता है, इसका छिलका नहीं उतरता, इसने जाहिर को खत्म कर दिया है, अपने जाहिरी वजूद को, जाहिरी शनाख्त को, जाहिरी तशख्खुस को खत्म कर दिया है, ये फना के मरहले में चला गया है, इसके अंदर भी वही रंग है, इसके बाहर भी वही रंग है। अब उसका फायदा क्या होता है, जितना प्यार आप अंदर से करते हैं उतना ही प्यार बाहर से करते हैं, जो खाते हैं तो पूरा टमाटर ही खाते हैं, इसका छिलका उतार के नहीं फेंकते, इसका छिलका उतार के नहीं फेंकते। क्या मतलब, इसको इतनी कुर्बत मिली कि अब जहां अंदर का फल जाएगा वहीं इसका छिलका भी जाएगा। असाबे काफ के कुत्ते से भी समझ लेना मिसाल, वो 309 साल जुड़ के बैठा रहा, सर्दी आई, गर्मी आई, भूख आई, प्यास आई, शिद्दत आई, जो हाल आया, असाबे काफ अंदर थे, वो ईमान वाले मोमिन थे, इंसान थे, ये कुत्ता था, अपनी नस्ल में कुत्ता था, कुत्ता पलीद होता है, पलीद होकर भी 3 सदियां जुड़ के उनकी कुर्बत और सोबत और संगत और रफाकत में बैठा रहा, जुड़ के बैठा रहा, जुदा नहीं हुआ। अल्लाह पाक ने फरमाया, बेशक तू कुत्ता था मगर अब तेरा हश्र जहां असाबे काफ जाएंगे वहीं तू भी जाएगा। जो कोई अपने आप को, अपनी शनाख्त को, अपने जाहिर को, अपनी जाती खसलत को, अपनी अपने आप को फना कर देता है, किसमें, जिसकी संगत में है, जिसकी कुर्बत में है, जिसकी रफाकत में है, जिसकी मवद्दत में है, जो खुद को फना कर देता है, फिर जहां वो जाता है उसका महबूब, वहां वो भी जाता है। ये एक बन गया, सारा फल एक हो गया। अब यहां इनको सीप नहीं मिल सका, सीप मैंने कहा था ले आए, ला नहीं सके। सीप आपने कभी देखा है, सीप जी,
ये इस शक्ल का नहीं होता सीप, जिसके अंदर समंदर में दरिया में मोती बनते हैं। उस सीप के बाहर का हिस्सा देखा है कभी आपने? बाहर के हिस्से को देखो तो आम पत्थर लगता है, मैला कुचैला पत्थर लगता है। अंदर को देखो उसके बातिन को, वो सफेद चांदी की तरह चमकता दमकता होता है अंदर का रुख, उसमें चमक होती है। वो चमक उसके बाहर नहीं होती, वो चमक उसके, हालांकि सारी उम्र समंदर में रहा और पानी से नहा नहा कर धुल धुल के साफ हो जाना चाहिए था, वो पानी से ही नहाते हैं ना, तो पानी उसको साफ नहीं कर सका, पानी उसको साफ नहीं कर सका। बाहर पत्थर की तरह मैला कुचैला सीप, जब आप उसके अंदर को देखते हैं तो उसकी चमक निकलती है, शुआएं निकलती हैं, खूबसूरत सफेद चांदी की तरह रंग, कभी कभी सब्जा रंग की रिफ्लेक्शन आती है। आपने गौर से देखा हुआ है वो क्यों? वो इसलिए कि सीप डबल होता इस तरह, पानी का एक कतरा अगर आ जाए और सीप अपना मुंह बंद कर ले, एक कतरे पर अपना मुंह बंद कर ले। कुछ सीप होते हैं कि वो मुंह बंद नहीं करते, वो इस तरह बंद नहीं होते, पानी आया वो फिर और कतरे भी आते हैं तो वो फिर आते रहते हैं आते रहते हैं। जो अपना मुंह बंद नहीं करते, चाहते हैं और आ जाए और आ जाए और आ जाए, लालच करते हैं, उन सीपों में मोती नहीं बनते। जो लालच करते हैं और आ जाए, उस सीप में मोती नहीं बनता। मोती किसी किसी सीप में बनता है और सिर्फ उस सीप में जिसमें एक कतरा आए और उसी वक्त मुंह बंद कर ले, कनाअत कर ले, कनाअत कर ले, एक कतरे पर कनाअत कर ले, तवक्कुल कर ले, हिर्स ना करे, मुंह बंद कर ले, बस एक आ गया यही काफी है। वो एक कतरा अंदर रहकर मोती बन जाता है। अब चूंकि वो मुंह नहीं खोलता, अंदर मोती रहता है, तो उस सीप के अंदर की जो सिमत है वो मोती के साथ कुर्बत और रफाकत में रहती है, मोती की सोबत में रहती है, मोती उसके साथ मिलता रहता है। तो मोती जैसा रंग सीप के अंदर पूरा चढ़ जाता है। आप मोती को रख लें और सीप के अंदर की रुख को रख लें, एक ही रंग, एक ही झलक और एक किस्म का रिफ्लेक्शन होगा। और अगली बात बताऊं, सिर्फ रंग रूप की बात नहीं, तासीर भी वही आ जाती। आप हुकमा से पूछें, मुझे नहीं मालूम अगर इन उलमा में कोई तबीब और हकीम भी हैं कि नहीं जो तिब करते हों और हिकमत करते हों, नहीं तो हुकमा से पूछें, जिन नुस्खों में और कुश्तों में मोती डलना हो ना, मोती मरवारीद, तो मरवारीद बहुत महंगे हैं, मोती बहुत महंगे हैं। एक तो खालिस नहीं मिलते, पंसार की दुकान पर खालिस नहीं मिलते, और दूसरे बहुत महंगे मिलते हैं। तो जहाँ नुस्खे में, तिब्बी नुस्खे में मोती डालना हो तो वहाँ मोती नहीं मिलते, उसकी जगह सीप के जो अंदर का रुख है ना, उसको छील के डाल देते हैं, उसकी वही तासीर होती है जो मोती की होती है। हुकमा, हुकमा मदर ऑफ पर्ल जो है, हुकमा नुस्खे में इस्तेमाल करते हैं और तिब की किताबों में दर्ज है, अगर मरवारीद यानी सुच्चा मोती न मिले तो सीप के अंदर के रुख को छील कर वो डाल दें, वही तासीर उस दवाई में होगी जो असल मोती की थी। तो मोती ने सिर्फ सीप के अंदर उसके बातिन का रंग ही नहीं बदला, उसकी तासीर ही बदल दी। ये जो कुर्बत है, ये जो संगत और सोबत है, ये जो रफाकत और माइयत है, ये जो मोहब्बत मवद्दत और उस कुर्बत की सूरत है, वो रंग भी बदल देती है, ढंग भी बदल देती है, तासीर भी बदल देती है, कैफियत भी बदल देती है। ये इस दुनिया में निजाम रखा है अल्लाह पाक ने। अब जैसे सीप बताया मैंने कि आपस में मिल जाते हैं तो उसका रंग अंदर से बदल जाता है, तासीर बदल जाती, उसकी बजाय उसी के साथ ये घोंगे बनते हैं समंदर में, घोंगे कहते हैं ना। देखो यहां सीप पड़ा हुआ है, एक साथ ही घोंगा है, इकट्ठे निकलते हैं दोनों। घोंगे की शक्ल क्या है? सीप तो दोनों मिल गए, बंद हो गया तो मोती बन गया, मुंह खुला रह गया तो खाली सीप रहा, शैल रहा। घोंगे की खूबी क्या है? ये पूरा, ये भी हरीस है,
یہ بھی چاہتا ہے پانی اور آئے اور آئے قطرے اور آئے, یہ منہ ہی مستقل طور پہ کھول لیتا ہے. اس کی شکل ایسی ہے کہ مستقل طور پہ اس کا منہ بولیے کھلا رہتا, مستقل طور پہ منہ کھلا رہتا ہے. چونکہ اس کا منہ مستقل طور پہ کھلا ہوا ہے, یہ اپنی شکل میں اپنی فطرت میں لالچی ہے, حریص ہے, منہ کھلا رکھتا ہے, باندھی نہیں کرتا, اور آئے اور آئے. تو اللہ پاک نے کیا کیا, باہر پانی کی لہروں نے اس کے رنگ کو یہ بنا دیا, مگر سیپ کی طرح اندر اس کا سنہرا روشن چاندی کی طرح نہیں ہو سکا, اندر اس کو کوئی رنگت نہیں ملی. یہ دیکھ, اندر اس کو کوئی رنگت نہیں ملی. اسی طرح اس سیپ کی طرح جس کا منہ کھلا رہتا ہے تو رنگ نہیں چڑھتا, اس کا دائمن منہ کھلا ہے, باہر یہ رنگت چڑھ گئی پانی کی اور اندر اس کا بے رنگ ہے, اس کا کوئی ڈھنگ نہیں, اندر کوئی خاص اس کو خاصیت ہی نہیں ملی چونکہ اس نے منہ کھلا رکھا. تو جو چیز جس کی معیت اور سنگت میں ہوتی ہے اس کا رنگ چڑھتا ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نظام بندوں کا بھی ہے, یہ کتے پر رائج ہوا تو بندوں پر رائج کیوں نہیں ہوگا, یہ کتے پر رائج ہوا تو بندے پہ رائج کیوں نہیں ہوگا. یہ نظام بندوں کا بھی ہے, جو بندے اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق, اپنی سنگت, اپنی معیت, اپنی مودت, اپنی رفاقت, اپنی صحبت, اپنے تعلق کی پختگی قائم کر لیتے ہیں اور پھر متابعت میں, پیروی میں, وفاداری میں, تعلیمات پر عمل کر کے اتباع جاری رکھتے ہیں تو ان کا رنگ چڑھتا ہے. جتنی وفاداری تابعداری پختہ ہوگی اتنا رنگ چڑھے گا, اور یہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں یہ تعلق جنت میں لے جانے تک کام آئے گا. اس تعلق کا فیض نہیں ٹوٹتا. اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا, ایک صحابی نے جب پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, صحیح بخاری میں حدیث ہے اور مسلم میں, یہ بھی متفق علیہ, قیامت کب آئے گی, آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میں نے قیامت کی تیاری بہت نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ اور اعمال کی شکل میں تو نہیں کر سکا, مگر اتنا ضرور ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو جس سے محبت ہوگی وہ آخرت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. یہ جو محبت ہے, محبت کھینچ کر سنگت میں بدلتی ہے, رفاقت میں بدلتی ہے, معیت میں بدلتی ہے, مودت اور محبت یہ جوڑ بناتی ہے اور اس جوڑ سے وفاداری آتی ہے, پختگی آتی ہے, تابع داری آتی ہے, یہ اتباع کی شکل ہوتی ہے. اس سے رنگ چڑھتے ہیں اور وہ رنگ اللہ پاک قیامت کے دن بھی نہیں اتارتا, اس کی لاج رکھتا. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کس طرح اللہ رب العزت اس رنگ کو اور اس تعلق کو اور اس سنگت کو اللہ پاک کس طرح اجر کا باعث بناتا ہے. فرمایا آقا علیہ السلام نے ایک شخص کسی گاؤں کی طرف جا رہا ہے, اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے اس کی راہ میں, اس سے پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو, وہ کہتا ہے میرا ایک بھائی رہتا ہے اس گاؤں میں, اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتہ پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے این ترید, کہاں جا رہے ہو, وہ کہتا ہے ارید اخن لی فی ہذہ القریہ, اس قصبے میں میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتہ پوچھتا ہے کہ کوئی کام کاج ہے اس کے ساتھ, کوئی احسان ہے جس کی تکمیل کرنی ہے, وہ کہتا ہے نہیں میرا کوئی اور غرض نہیں ادھر جانے کی, یہ توجہ سے سنیں, کوئی کام نہیں, لا غیرہ انی احببتہ فی اللہ, سوائے اس کے کہ میں اس سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں, صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. قال فانی رسول اللہ الیک, وہ فرشتہ کہتا ہے سن لے میں اللہ کی طرف سے پیغامبر ہوں, بان اللہ قد احبک کما احببتہ فی, جس طرح تو نے اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کی ہے اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کے بندوں سے اگر محبت کی جائے اللہ کے لیے تو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. وہ محبت کہاں تک جاتی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک اور متفق علیہ حدیث, آقا علیہ السلام نے فرمایا سبعۃن یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا,
मगर सात लोगों को अल्लाह पाक जिस दिन कोई साया नहीं होगा, सात लोगों को अपने साये में रखेगा, अपना साया अता करेगा। उन सात लोगों का आका अलैहिस्सलाम ने फिर नाम लिया, उनमें एक नाम लिया, फरमाया शाबुन नाशाफी इबादत रब्बे। दो तीन नाम गिनवा रहा हूं उनमें से। फरमाया एक वो जवान, क्योंकि जवान आए हैं मेरे बेटे और बेटियां, फरमाया वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजर गई, वो जवान बेटा और वो जवान बेटी जिसकी जवानी अल्लाह की ताक में गुजर गई, जिस पर अल्लाह की इबादत ने रंग चढ़ा दिया। फरमाया उस जवान को क़यामत के दिन अपने साए में रखूंगा। और फरमाया दूसरा रजुलान तहाबा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। और वो दो बंदे, वो दो जवान और दो लोग जो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, यानी उखुव्वत के रिश्ते में, रफाकत के रिश्ते में, मोहब्बत और मवद्दत के रिश्ते में जुड़े हैं, और उनके दरमियान कोई खूनी रिश्ता नहीं है, बिरादरी का रिश्ता नहीं है, इलाके का रिश्ता नहीं है, कोई माल कारोबार तिजारत का रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की वजह से जुड़ गए। फरमाया मिलते भी उसी मोहब्बत पर हैं और जुदा भी उसी मोहब्बत पर होते हैं, फिर याद करते हैं। फरमाया क़यामत के दिन ऐसे मोहब्बत करने वालों को भी अपने साए में जगह दूंगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसे सही मुस्लिम में हदीस सही वारिद की अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करके इमाम मुस्लिम ने, अल्लाह पाक क़यामत के दिन फरमाएगा अइनल मुतहाब्बूना बिजलाली अल्यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। अल्लाह पाक पूछेंगे क़यामत के दिन मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं, मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं। लोग खड़े होंगे, फरमाए आओ इन सब को मैं अपने साए में जगह देता हूँ। वो क़यामत के दिन जिसमें किसी को साया नहीं मिलेगा, अल्लाह पाक अपनी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों और एक दूसरे की संगत और रफाकत में जुड़ जाने वालों को अल्लाह पाक अपने साए में जगह देगा। और सिर्फ यहाँ तक नहीं कि अपने साए में जगह देगा, इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुसनद में, इमाम तिरमज़ी ने रिवायत किया और हदीस हसन सही है, आकर सलाम ने फरमाया मुआज़ इब्ने जबल रावी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आका ने फरमाया अल-मुतहाब्बूना, अल्लाह पाक ने फरमाया फ़ी जलाली लहुम मनाबिरु मिन नूरिन यख़्बितुहुमुन नबीयून वश्शुहदा। फरमाया मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन अल्लाह पाक उनके लिए नूर के मिंबर रखवाएगा, नूर के स्टेज लगवाएगा, हुक्म होगा इनको नूर के स्टेजों पर, नूर के सोफ़ों पर, नूर की कुर्सियों पर, नूर के मिंबरों पर बिठाओ, अंबिया और शुहदा उनकी इस इज्जत और तकरीम पर रश्क करेंगे, रश्क करेंगे कि हमें तो ये मुकाम मिला इसलिए कि हमें अल्लाह पाक ने नबी और रसूल बनाया और हमें शहीद बनाया, मगर ये न नबी हैं न शहीद हैं, मगर इनको अल्लाह पाक ने आज अपने सामने अर्श के ऊपर मिंबरों पर बिठाया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक का वादा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है वाजबत महब्बती लिल मुतहाब्बी नफिया वल मुतजालिसी नफिया वल मुतजाविरी नफिया वल मुतबादिरी नफिया। ये हदीस सही है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने और हाकिम ने रिवायत किया। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिन लोगों ने मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने की रविश इख्तियार कर ली, अपनी माइंडसेट चेंज करना है, माइंडसेट चेंज करना है, एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक है उस ताल्लुक की बुनियाद अल्हुब्बु फिल्लाह को कर देना है, अल्लाह की वजह से, अल्लाह की रजा की वजह से, अल्लाह की तात सीखेंगे, इससे जुड़ेंगे तो अल्लाह की तात का सबक मिलेगा, इससे जुड़ेंगे अल्लाह की इबादत का रास्ता मिलेगा, इससे जुड़ेंगे तो अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होंगे, इससे मिलेंगे तो अल्लाह की रजा नसीब होगी, इससे मिलेंगे तो अल्लाह की कुर्बत की राह मिलेगी, इससे मिलेंगे तो गुनाह से बचेंगे। जो भी ताल्लुक जिससे कायम करें उस ताल्लुक का हदफ अल्लाह की जात को, अल्लाह के रसूल को रखें। जब बुनियाद ये बना लें तो अल्लाह पाक ने फरमाया ऐसे लोगों से मोहब्बत करना मैंने अपने ऊपर वाजिब कर लिया। वो लोग जो मेरी मोहब्बत की वजह से दूसरे से मोहब्बत करते हैं,
वो लोग जो मेरी वजह से एक दूसरे के साथ मिलकर बैठते हैं, इकट्ठे हम नशी होते हैं, वो लोग जो मेरी वजह से एक दूसरे को मिलने जाते हैं, और वो लोग जो मेरी वजह से एक दूसरे पर खर्च करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया हदीस कुदसी में आकर इस्लाम ने बयान किया, कद हक्कत महब्बती लिल्लज़ीना यतहाब्बूना मिन अजली व कद हक्कत महब्बती लिल्लज़ीना यतसाफ़ूना मिन अजली व कद हक्कत महब्बती लिल्लज़ीना यतज़ावरूना मिन अजली व कद हक्कत महब्बती लिल्लज़ीना यतबाज़लूना मिन अजली व कद हक्कत महब्बती लिल्लज़ीना यतनासरूना मिन अजली। फरमाया अल्लाह पाक ने कि उनकी मोहब्बत हक हो गई मेरे ऊपर, वाजिब हो गई, जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जो मेरी खातिर एक दूसरे के साथ अपने दिलों को साफ रखते हैं, जो मेरी खातिर एक दूसरे के सच्चे दिल से हमदर्द और बेहिखा होते हैं, जो मेरी खातिर एक दूसरे से दोस्ती और प्यार करते हैं, जो मेरी खातिर एक दूसरे से मिलने जाते हैं किसी और काम से नहीं, सिर्फ इसलिए जाए कि आज अल्लाह की मोहब्बत में सिर्फ मैं आपसे मिलने आया हूँ। आप हम रफीक हैं, हम मिनहाजुल कुरान के रफका हैं, हम किसी नस्बत से जुड़े हुए हैं, हम एक ताल्लुक में जुड़े हुए हैं, एक चश्मे से पानी पीने वाले हैं, एक दस्तरखान से खाने वाले हैं, एक जगह से रहनुमाई लेने वाले हैं, वहाँ हमें अल्लाह की बात मिलती है, अल्लाह की मोहब्बत का दर्स मिलता है, अल्लाह की मारिफत का दर्स मिलता है, अल्लाह की कुर्बत और रज़ा की राह मिलती है। हमारे ताल्लुक में अल्लाह है, हमारे ताल्लुक में बुनियाद में अल्लाह का रसूल है। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें देखने आया हूँ ताकि आपको देखकर, आपका चेहरा देखकर मेरा सीना ठंडा हो, आपको देखकर मेरी आंखें ठंडी हों, आपस में मिल बैठें, आपस में मिल बैठें। फिर हदीस पाक में आता है, जब अल्लाह के लिए दोस्ती करने वाले, अल्लाह के लिए संगत और रफाकत रखने वाले, अल्लाह के लिए मोहब्बत एक दूसरे पर खर्च करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ ताल्लुक करें, फरमाया जब ऐसा ताल्लुक रखने वाले दुनिया में मिल बैठेंगे तो क्या होगा। हदीस पाक में है, हदीस पाक में आका इस्लाम ने फरमाया वो अल्लाह के बंदे जिनसे आपकी मोहब्बत होगी, जिनसे आपका ताल्लुक होगा अल्लाह के बंदों से, वो चुके अल मरो मा मन हब्बा, मैयत का वादा है कि वो जन्नत में भी साथ होंगे, तो वो ऊंचे दर्जों पर होंगे। हदीस पाक में मुसनद बाजार में है, बहकी में है, तबरानी में है, मुसनद मुजाला में है, आका ने फरमाया वो ऊंचे दर्जे पर होंगे जिनसे निचले दर्जों वालों ने मोहब्बत की होगी दुनिया में, उनके अमल उन जैसे नहीं होंगे मगर उनकी मोहब्बत होगी, उनकी संगत होगी, उनकी रफाकत होगी, उनकी मवद्दत होगी, उनके साथ दुनिया में हम मजलिस थे, मिल बैठते थे, एतिकाफ में बैठते थे, घरों में मिलते थे, अपने मिशन में मिलते थे, मसाजिद में मिलते थे, अपने मोहल्लों में मिलते थे, अल्लाह के लिए एक दूसरे से प्यार करते थे, इस ताल्लुक में जुड़े हुए थे, अब जन्नत में पहुंच गए, ऊंचे दर्जे वाले ऊंचे मुकाम पर चले गए, छोटे दर्जे वाले छोटी जगहों पर बैठ गए, निचले दर्जे वालों को ऊपर के दर्जे में जाने की इजाज़त नहीं होगी। अब वादा कैसे पूरा होगा, अल्लाह ने फरमाया था कि वो उनके साथ होंगे, वादा कैसे पूरा होगा, हदीस पाक में आकर इस्लाम ने फरमाया वो जिनके साथ उनकी संगत थी, जिनके साथ उनकी रफाकत थी, मोहब्बत थी, मवद्दत थी, मुताबियत थी, ताल्लुक था, ताबेदारी थी, वफादारी थी, ऊंचे दर्जे में वो बैठे होंगे, वो चाहेंगे कि मैं अपने बंदों से, लोगों से जाके साथियों से मिला हूं, वो तख्त पर बैठे होंगे, कुर्सी पर होंगे, सोफे पर होंगे, जो नशिस्त होगी चारपाई पर जहां होंगे उनको ख्वाहिश करेंगे, कुरान का वादा जो चाहेंगे वो होगा, इसका नाम जन्नत है, जो चाहेंगे वही होगा, वो इशारा करेंगे, उनका तख्त उनकी कुर्सी उड़ पड़ेगा और कहेंगे अपने तख्त को अपने सोफे को मेरे वो साथी फलां जगह रहते हैं जन्नत में, वो उधर चल, वो तख्त उड़ता हुआ, वो कुर्सी या सोफा उड़ता हुआ जन्नत के उस खित्ते में चला जाएगा जहाँ उनके दोस्त रहते हैं, वहाँ जाके बैठेंगे, और हदीस पाक के लफ्ज़ हैं, बैठ के आपस में प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, और फिर दुनिया में जब बैठ के बातें करते थे पुरानी बातों को याद करेंगे, और हदीस के लफ्ज़ हैं, वो कहेंगे अच्छा सुना उस दिन की बात, वो कैसे बात हुई थी, हाय हाय हाय, वो कहेंगे वो उस दिन का हाल सुनाओ, उस दिन का वाकया सुनाओ, वो कैसे था,
उस दिन का हाल कैसे था वो कहेंगे, उस दिन का वो मामला कैसे था, वो वाकया तुम्हें याद है कैसे हुआ, यानी वो दुनिया के वाकयात को याद कराकर जन्नत में लुत्फंदोज होंगे। यह हदीस पाक जो आपको सुना रहा हूं ये मुसनद बजार बहकी इब्ने अबी दुनिया सनद हसन के साथ अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला ने रावी है। इस तरह अल्लाह का वादा पूरा होगा, अल मरउ मा मन अहब्बा, जिसको जिससे मोहब्बत होगी अल्लाह उसको जन्नत में आखिरत में मिला देगा। अगर वो उस दर्जे में नहीं भी जा सकता, ऊंचे दर्जे के लोग हर रोज उनको मिलने उनके घर में आया करेंगे जन्नत में। तो आकर सलाम ने फरमाया इजा दाखला अहलुल जन्नतिल जन्ना, जब सब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, अहलुल जन्नतिल जन्ना तश्ताकू इलल इखवान, तो जन्नत के ऊंचे दर्जे के लोग औलिया मुकर्रबीन सालेहीन ऊंचे दर्जे के लोग, उन्हें शौक होगा कि मैं अपने साथियों को रुफका को मोहब्बत करने वालों को दोस्तों को कुलीग्स को मैं जाके मिला हूं। फयुजी ओ शरीर हाजा हत्ता युहाजी शरीर हाजा, इसकी चारपाई इसकी कुर्सी उड़ेगी और उसकी चारपाई कुर्सी के पास जाकर उतरेगी, जैसे जहाज लैंड करता है। जन्नत में उनके जहाज लैंड करेंगे, उतर के उनके साथ बैठेंगे, फयतहद्दसान, फिर जन्नत में बातें करेंगे, फयत्ता की उहाजा वयत्ता की उहाज, बातें करेंगे, वयतहद्दसान बिमा कान फिद दुनिया, और बातों में ये भी कहेंगे वो दुनिया में उस दिन याद है क्या हुआ था, पुरानी बातें याद करेंगे। हाय हाय, ये हदीस है, पुरानी बातें याद करेंगे। वो मियाँ मोहम्मद साहब का क्या शेर है, दिल कर दे तेनु सामने बिठाते दर्द पुराने छेड़ा, वो पुरानी बातें याद करेंगे, इस दुनिया के बीते हुए वाकयात जन्नत में याद करेंगे। अल्लाह पाक मैयत का वादा पूरा फरमा देगा। फिर जन्नत में हर किसी को अल्लाह का दीदार नहीं होगा, हर किसी को अल्लाह का दीदार नहीं होगा, अल्लाह के दीदार वाले कुछ होंगे, कुछ लोग सिर्फ जन्नती होंगे, मगर इन जन्नतियों को उनसे मोहब्बत थी, उनसे ताल्लुक था, उनसे निस्बत थी, उनके साथ वफादार थे, उम्र भर जुड़े रहे थे, और अल्लाह का वादा है कि ये उनके साथ होंगे। मैयत का वादा कैसे पूरा होगा कि जैसे हदीस पाक में मैंने बताया अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं कि ये ऊंचे दर्जे के लोग, ऊंचे दर्जे के लोग ये अपने तख्तों को उड़ा के उनके पास जाएंगे, और हदीस में लफ्ज आता है जब वो निचले दर्जों में, वो भी तो मोहल्ले देखो ना, गुलबर्ग भी है, मॉडल टाउन भी है, माल रोड भी है, गवाल मंडी भी है, और क्या समनाबाद भी है, और वो उधर क्या वो आगे अंदरून लाहौर में आ जाए ना, लोहारी भी है, बाटी भी है, तो बाटी लोहारी वाले हालात जन्नत में नहीं होंगे, फिर वो जन्नत काहे की, वो नहीं होंगे। जन्नत तो जन्नत है, मैं बता रहा हूँ जन्नत के अपने दर्जे होंगे, जन्नत की अपनी मनाजिल होंगी, जन्नत के अपने मदारिज और मरातिब होंगे। वो बाटी लोहारी वाला हाल नहीं होगा कि पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, वो तो सारे मुल्क को नहीं आ रही यहाँ, वहाँ ये किस्सा नहीं होगा। वहाँ तो पानी का आलम ये होगा कि कुरान मजीद सूरह इंसान में है, ऊंचे दर्जे के लोग उनको अल्लाह पाक चश्मे देगा, उसमें सलसबील होगा, उसमें जंजबील होगा, शराब तहूर होगी, अल्लाह पाक अपनी कुर्बत के चश्मों में से अपने प्याला मोहब्बत के जरिए भर भर के पिलाएगा, और वो सुरूर उनको मिलेगा, उन चश्मों से कैफ मिलेगा, अल्लाह की मोहब्बत कुर्बत और मारिफत मिलेगी। मगर वो लाज रखने वाले याद करेंगे अपने उन दोस्तों को, उन रफीकों को, उन संगतियों को, उन वफादारों को जो उन खास चश्मों से मारूम हैं, कुरान मजीद के लफ्ज हैं, वो चश्मों को हुक्म करेंगे कि उनके पास तो चश्मे नहीं हैं, ये खास उन लोगों के लिए, युफज्जिरूनहा तफजीरा, वो चश्मों को उंगली से इशारा करेंगे, मैं अपने साथियों को मिलने जा रहा हूँ, चश्मे मेरे साथ चल, जन्नत के चश्मे वलियों के साथ चल पड़ेंगे, जहां जहां जाएंगे अल्लाह वाले जन्नत के चश्मे जंजबील के उनकी उंगली के इशारे पर साथ चलेंगे, और जिनके पास वो चश्मे नहीं होंगे उन सबको पिला पिला के आएंगे, वही सैराब करके आएंगे। ये कुरान मजीद सूरह अद्दार उठा के देखिए,
यही बात हदीसे पाक में फरमाई, जब वो जन्नत की छोटी मंजिलों और तबकात और मोहल्लों में, जन्नत के छोटे दर्जे के मोहल्लों में जाएंगे तो क्या होगा, वो चूंकि ऊंची दर्जे से आए उनका नूर बहुत होगा, अचानक वो जगह जगमग कर उठेंगी, रोशन हो जाएंगी, हर तरफ एक चमक होगी। जन्नती उस मोहल्ले में रहने वाले पूछेंगे आज क्या हो गया, आज क्या हो गया, थोड़ी थोड़ी रोशनी होती थी आज तो जगमग हो गया, आज क्या हुआ है। तो जिनके घर आए होंगे उनके मिलने वाले, हाय हाय हाय, जिनसे मिलने आने वो अपने मोहल्ले वालों को बताया, बताएंगे कि आज इल्लीयीन में से मेरा मेहमान मुझे मिलने के लिए आया है, तो इल्लीयीन का नूर लेकर हमारे मोहल्ले में आया है। वो आला दर्जे के लोग जन्नत के इल्लीयीन का नूर निचले दर्जों में बांट जाएंगे, क्योंकि उनके साथ ही रहते हैं, उनको चश्मों से पिला जाएंगे। और हदीस पाक में फरमाया लयनज़ुरूना इला अहलिल जन्नत, अहले इल्लीयीन ऊंचे जन्नत के रुतबे वाले तमाम अहले जन्नत को देखेंगे। फैजा अशरफ रजुलुन मिन अहले इल्लीयीना अशरकतिल जन्नतु लिदियाई वजहिही, और उनका आलम यह होगा कि झांक के देखेंगे उनके चेहरे से इतना नूर निकलेगा कि सारे मोहल्ले निचले जन्नत के हिस्सों के जगमग करने लग जाएंगे। पूछेंगे ये नूर कैसा है, कहते इल्लीयीन में से कोई झांक के देख रहा है। वो पहुंचेंगे तो वो नूर लेकर आया, फिर वो सारे मोहल्ले वालों को चश्मों का पानी पिला जाएंगे जिनको चाहेंगे। कभी ऐसा होगा उनके साथ बैठे होंगे, उनका अपना नसीब नहीं था कि दीदार इलाही कर सके, दीदार करने वाले ये लोग थे, मगर उनके पास जाके बैठेंगे, अचानक इकट्ठे बैठे होंगे, आवाज आएगी अस्सलाम वालेकुम, पूछेंगे किसकी आवाज है, कि अल्लाह की आवाज है। तो अल्लाह पाक कहेगा बेशक तुम्हारा नसीब था या ना था, मगर उनका नसीब है जो तुम्हें मिलने आए हैं, मैंने चाहा उनके साथ ही भी मेरा दीदार कर ले। तो उनकी तुफैल अल्लाह के दीदार भी नसीब होंगे। कुरान ने कहा इन अस्हाबल जन्नतिल योम फी शुगलिल फाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराएक मुत्तकीऊन, वो और उनके साथी, या अज़वाज का माना साथी है, वो और उनकी संगत में रहने वाले, अज़वाज उनके साथ जुड़े रहने वाले, जो दुनिया में उनके साथ जुड़े रहे थे, जन्नत की सारी नेमतों में उन सबको शरीक कर दिया जाएगा। लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, फिर उनके सदके सबको अल्लाह सलाम करेगा, नेमतों में शरीक कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुनिया में जन्नत में भी उसकी लाज रखेगा। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ अन्न अब्दैन तहाब्बा फिल्लाह अज़्ज़ा वजल वाहिदुन फिल मशरिकि व आखरु फिल मग़रिब लजमा अल्लाह बैनहुमा यौम अल-क़ियामा व यकूलु हाज़ा अल्लज़ी कुंत तुहिब्बुहु फिया, एक शख्स दूसरे से मोहब्बत करता था, उसके साथ संगत ताल्लुक और वफादारी रखता था, मोहब्बत और इश्क रखता था, मगर एक मशरिक में रहता होगा, दूसरा मग़रिब में रहता होगा, अगर मुलाकात भी नहीं हुई मोहब्बत ही का रिश्ता है। फरमाया क़ियामत के दिन उसको भी अल्लाह उसके साथ मिला देगा, वो पूछेगा कि मुझे इस मुकाम पर इनसे क्यों मिलाया गया, क्या वजह बनी। अल्लाह पाक फरमाएगा कि इस वजह से कि मेरी खातिर तो इससे मोहब्बत करता था, तो मोहब्बत और ताल्लुक रायगा नहीं जाता। आखिरी हदीस मजमून ख़त्म कर रहा हूँ, बड़ी अहम, सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अबू दाऊद और नसाई की हदीस है, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह फरमाए इन मेरी इबादिल्लाह लउनासन माहुम बे अम्बिया वला शुहदा यकबितुहुमुल अम्बिया व शुहदा यौमल क़ियामत बेमकान है मिनल्लाह, ऐसे कई लोग होंगे क़ियामत के दिन जो अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द अल्लाह के सामने बड़े ऊंचे दर्जों पर बिठाए जाएंगे, न वो नबी होंगे न शहीद होंगे, मगर नबी और शहीद भी उनकी कदर व मंजिलत पर रश्क करेंगे। कालू या रसूल अल्लाह, सहाबा कराम ने जब ये सुना तो पूछा आका हमें बताइए तुखबिरुना मन हम, ये खुश नसीब कौन लोग होंगे। ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, पल्ले बांध लें कभी ना भूलें,
पूछा सहाबा कराम ने वो कौन लोग होंगे, कालू हम कौमुन तहाबू बेरुहिल्लाह अला गैर अरहामिन बैनहुम वला अमवालन यतआतूनहा फवल्लाह इन वुजूहहुम लनूर। फरमाया ये वो लोग हैं जो आपस में खूनी रिश्तेदारियों के बगैर और माली तिजारती ताल्लुकात के बगैर सिर्फ अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत के रिश्ते में जुड़ गए थे, जिन्होंने एक दूसरे से मोहब्बत का रिश्ता बना लिया था, रफाकत का रिश्ता बना लिया था, संगत और मवद्दत का रिश्ता बना लिया था, जुड़ गए थे। न खूनी रिश्तेदारी थी न माली कारोबारी शराकत थी, ये वो लोग होंगे। फरमाया अल्लाह पाक उनको अपने सामने बिठाकर इन्ना वुजूहहुम लनूरुन उनके चेहरों से नूर निकलेगा, वइन्नहुम लअला नूरिन वो नूर के ऊपर फायज होंगे, ला यखाफूना इज़ा खाफन नास क़यामत के दिन जब लोग खौफ ज़दा होंगे इनको कोई खौफ नहीं होगा, वला यहज़नूना इज़ा हज़ना नास जब लोग गम ज़दा होंगे इन्हें कोई गम नहीं होगा, न इन्हें कोई खौफ होगा न इन्हें कोई गम होगा। तो सहाबा कराम ने पूछा ये कौन लोग, पहले फरमाया ये वो लोग जो मेरी खातिर मोहब्बत का रिश्ता बनाएंगे, फरमाया इनको सिला वो मिलेगा, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून जो औलिया अल्लाह को सिला मिलेगा वही अल्लाह की खातिर मोहब्बत और रफाकत करने वालों को सिला मिलेगा, विलायत का सिला मिलेगा, जो औलिया को दर्जा मिलेगा वो अल्लाह की खातिर मवद्दत और मोहब्बत और संगत और रफाकत का रिश्ता अल्लाह के लिए जोड़ने वालों को वो सिला अता होगा जो क़यामत के दिन वलियों को मिलेगा। एक अराबी खड़ा हो गया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह हम नासुन मिन अफना इन नास व नवाज इल कबाइल लम तसिल बैनहुम, यानी पूछा या रसूल अल्लाह कौन लोग हैं, आका ने फरमाया मुख्तलिफ कबीलों से लोग, मुख्तलिफ घरानों के, मुख्तलिफ बिरादरियों के, मुख्तलिफ शहरों के, मुख्तलिफ खानदानों के लोग हैं, मगर उनके दरमियान अरहाम उन मुतकारेबा कोई खूनी रिश्ता नहीं है, उनके दरमियान कोई कारोबारी रिश्ता दुनिया का नहीं है, तहाबू फिल्लाह सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता है अल्लाह के लिए, व तसाफ़ो और एक दूसरे के साथ इखलास वफादारी का रिश्ता है अल्लाह के लिए, याद अल्लाहु लहुम मन यौमल क़यामत मनाबिर मिन नूर अल्लाह हुक्म करेगा फरिश्तों को इनके लिए नूर के मिंबर बिछा दो, वयुजलिसहुम अलैहा अल्लाह पाक खुद उन्हें उन नूर के मिंबरों पर बिठाएंगे और उनको नूरुन अला नूर बना देंगे। फिर आकल इस्लाम ने फिर आयत पढ़ी उन पर न कोई खौफ होगा न कोई गम होगा, इसलिए कि ये वलियों की शान है कि उन पर कोई खौफ और गम नहीं होगा, चूँकि खौफ मुस्तकबिल का होता है, खौफ मुस्तकबिल में होता है कि क्या होगा, गम माजी का होता है, जो कोई दुख हो चुका नुकसान हो चुका गम उसका होता है, माजी याद आता है, मुस्तकबिल का ख्याल आता है तो बंदा खौफ ज़दा होता है। अल्लाह के वलियों को और अल्लाह की खातिर मोहब्बत और रफाकत का रिश्ता बनाने वालों को वलियों की तरह ना खौफ होगा ना गम, वली को खौफ और गम क्यों नहीं होगा, खौफ मुस्तकबिल की वजह से, गम माजी की वजह से, वली का ना मुस्तकबिल होता है ना माजी, वली हर वक्त हाल में रहता है, वली ना माजी का सोचता है ना मुस्तकबिल का सोचता है, वो सिर्फ अल्लाह का सोचता है, वो हाल में रहता है और अपने हाल को संवारता है, वली बेफिक्र होता है माजी से भी मुस्तकबिल से भी, उसका माजी भी हाल था अल्लाह के सपुर्द था उसको गम कैसा, उसका मुस्तकबिल भी अल्लाह के सपुर्द है उसे खौफ कैसा, उसका हर लम्हा उसके हाल को संवारने पर होता है, वो देखता है कि मेरा हाल अल्लाह के ताल्लुक में कैसा है, मेरा हाल अल्लाह की मोहब्बत में कैसा है, मेरा हाल अल्लाह की रजा में कैसा है, वो हर लम्हा अपने हाल को बेहतर करने पर लगा रहता है, इसलिए उसकी नजर न माजी पे पड़ती है न मुस्तकबिल पे पड़ती है, सो उसको खौफ व गम नहीं आता। जो लोग वलियों की तरह अल्लाह की मोहब्बत के रिश्ते में ताल्लुक जोड़ लें वो भी औलिया की तरह खौफ और गम से बेनियाज हो जाते हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने यह बात फरमाई, आखिरी हदीस जिस पर ख़त्म कर रहा हूँ,
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لیے محبت کرو، دشمنی کا پیمانہ بھی اللہ کے لیے رکھو، دوستی مودت بھی اللہ کے لیے رکھو، لا تعلقی عداوت بھی اللہ کے لیے رکھو، فَإِنَّهُ لَا تُنَالُ وِلَایَتُ اللَّهِ إِلَّا بِذَالِكَ، فرمایا ولایت اس سوچ اس طرز عمل اور اس قلبی حال کے بغیر نہیں ملتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ولایت اس کے بغیر نہیں ملتی۔ ولایت کی شرط یہ ہے، ولایت کی شرط یہ ہے کہ بندے کی ساری سوچ، بندے کا طرز عمل، طرز فکر، سب کچھ اس کے اندر مرکز و محور اللہ کی ذات ہو جائے، اس کے دوستی کے پیمانے بھی اللہ کے ساتھ متعین ہوں، اس کے دشمنی کے پیمانے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ متعین ہوں۔ اگر یہ رشتہ اس بنیاد پر کسی سے قائم ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب قوماً حشر فی زمرتہم، ان بندوں کا حشر بھی قیامت کے دن ان ولیوں کے ساتھ ہوگا، اکیلا نہیں ہوگا۔ فرمایا جب ولی کا وقت آئے گا کہے گا اپنے بندوں کو ساتھ لے لو۔ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ کرسیوں پر بٹھا دے گا، فرمایا میری خاطر آپس میں محبت، رفاقت، سنگت، مدد کرنے والوں، آج حساب کتاب کا دن ہے، تم کرسیوں پر بیٹھو، تمہارا کوئی حساب نہیں۔ اور حدیث پاک کے لفظ ہیں جب ساری مخلوق کا حساب ختم ہوگا انہیں کرسیوں سے ہی اٹھا کر جنت میں بھیج دیا جائے گا، وہ کرسیوں سے اٹھ کر جنت میں چلے جائیں گے، اللہ پاک ان کو اتنی عزت اور تکریم دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اوقات میں دنیا پر یا کسی شہر پر عذاب کرنے کا سوچتا ہوں، عذاب کرنے کا، اور عذاب کرنے سے پہلے میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو میری مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو صرف میری خاطر ایک دوسرے سے محبت و رفاقت اور مجالست کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، اور پچھلی رات ایسے نظر آتے ہیں جو مجھ سے معافی اور استغفار کرتے ہیں، ان کی خاطر میں اپنے عذاب کا ارادہ بدل دیتا ہوں، عذاب کا ارادہ بدل دیتا ہوں۔ تو یہ جو بنیادی تعلق ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے محبت کرنے والا نہیں بنا تو فرمایا اس کو ایمان کا ذائقہ ہی نہیں ملے گا۔ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَٰلِكَ، بھلے جتنی نمازیں چاہے پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، جب تک اس کی محبت اور دوستی کا پیمانہ اللہ کے لیے نہیں بنا اس کو ولایت نہیں مل سکتی اور ایمان کا مزہ اور ذائقہ بھی نہیں چکھ سکتا۔ اور آقا نے فرمایا کہ آج کل لوگوں کے رشتے تعلقات دنیا کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ کی دوستی نہیں ملتی۔ اللہ کی دوستی انہی کو ملتی ہے جو اپنی دوستیوں کی بنیاد اللہ کی ذات کو رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کو رکھتے ہیں۔ لہذا یہ جو بنیادی ایک پیمانہ میں نے بتایا، اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات تو آپ نے سن لیے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو، یہ بات ختم کر رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک اور عادت آ گئی، بڑی پیاری بات تھی، میں نے چاہا سنا کے جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے بات کی، کلام کیا، وہی کی، اور اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ حل عملت لی عملا قط، اپنا کوئی ایسا عمل بتا جو تو نے صرف میرے لیے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اپنا کوئی ایسا عمل بتا مجھے جو تو نے صرف میرے لیے کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قال صلیت لک، باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، وصمت تیرے لیے روزے رکھے، وتصدقت تیرے لیے صدقہ خیرات کیا، وذکرت لک اور تیرا ذکر کیا۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک نے جواب دیا اما الصلاۃ فلک برہان، تو نے نماز پڑھی وہ تیرے ایمان کا تقاضا تھا، وہ تیرے لیے، وہ تیرے ایمان کا تقاضا تھا، وہ تیرے ایمان کی دلیل تھی۔ تو نے روزہ رکھا وہ دوزخ سے تجھے بچانے کے لیے ہے،
तू ने सदका दी, आखिरात दी, वो क़यामत के दिन तुझे साया देने के लिए है, तुझे साया देगी। जिक्र किया, वो तुझे नूर देने के लिए है। फरमाया अय्यु अमलिन अमिलता ली, ए मूसा ये सारे तुझे नफा देंगे, तुझे नफा देंगे। मुझे कोई एक अमल बता जो सिर्फ मेरे लिए हो, जिसमें तूने अपने आप को निकाल दिया हो, सिर्फ मेरे लिए हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया قال دلني على العمل الذي هو لك, बारी ताला फिर तू ही बता वो कौन सा अमल है जो सिर्फ तेरे लिए है और मेरे लिए ना हो। قال يا موسى هل وليت لي وليا, मेरे किसी वली से दोस्ती की है, मेरे किसी वली से दोस्ती की है, अगर मेरे दोस्त से दोस्ती की है तो वो मेरे लिए है, बाकी सारी इबादतें तेरे लिए, सारी इबादतों से बढ़ जाता है अजर जब अल्लाह वालों से दोस्ती के रिश्ते में आ जाएं। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब अमाल से अफजल अमल अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है। और इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बंदे अगर तू जानना चाहे कि तेरे अंदर खैर है या नहीं, खैर है या नहीं तेरे मन में, फंजुर इला कल्बिक, सीधना इमाम जाफर सादिक रहे, अपने दिल को देख, जांच कर देख, फइन काना युहिब्बु अहल ताअतिल्लाह, अगर तेरा दिल अल्लाह वालों की, अल्लाह वालों की मोहब्बत में गिरफ्तार है, तेरे दिल में अल्लाह वालों की मोहब्बत है, फफी का खैरुन, जान ले तुझे खैर नसीब है। और अल्लाह वालों के साथ अगर बुग्ज है या अल्लाह के नाफरमानों की मोहब्बत है तो जान ले कि तू खैर से मालूम है, तेरे अंदर शर है, तेरे अंदर शर है। ये जो पैमाना है अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए दोस्ती, अल्लाह के लिए रफाकत, अल्लाह के लिए संगत, अल्लाह के लिए मोहब्बत मवद्दत, अल्लाह के लिए मुजालसत, अल्लाह के लिए एक दूसरे के साथ रिश्ता, उम्र भर उसके साथ जुड़े रहना, अल्लाह पाक ने इसे हर अमल से बेहतर अपने लिए करार दिया। और इसका इवज़ अल्लाह ने वो दिया जो अपने ऊंचे रुतबे के औलिया को देगा। लिहाजा तमाम साथी, सुनने वाले रुफका, भाई बहने, बेटे बेटियां, बुजुर्ग और पूरी दुनिया में जो भी सुन रहा है, समझ लें ये वो काम है, अगर इस नेमत को हासिल कर लें और इस पर जम जाएं, इस पर मेहनत करें, और ये एक अल्लाह की नेमत जिसको नसीब है वो इसमें औरों को शरीक करें, औरों को शरीक करें, ये संगत ऐसी है कि क़यामत के दिन हर किसी को काम आएगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैज़ और अल्लाह पाक का करम और आका अलैहिस्सलाम की शफ़ात और अल्लाह की रहमत उस शख्स को इसके बायस नसीब होगी, और कोई भी इसकी रहमत और बरकत से महरूम नहीं रहेगा। सो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये हो गया कि इस संगत को हासिल करो, जिनको नसीब हो वो इसको पुख्ता करें, वो इसमें सिद्क और इखलास और सफ़ा पैदा करें, और इसमें औरों को शरीक करें, और पूरी दुनिया में ज़िंदगी में अपने रिश्तों के अंदर, दोस्ती हो या दुश्मनी, बुनियाद अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खातिर कायम करो रिश्ते। अल्लाह पाक हमारे हाल पर करम करे और हमें दुनिया और आखिरत में ऐसी संगत अता करे जिससे अल्लाह की रजा नसीब। या वो तो कुरान हदीस पाक में आ गया कि अगर कोई, किसी ने फिर सवाल किया, कोई सारी ज़िंदगी नहीं भी मिल सका, मोहब्बत है कोई मशरिक में है मगरिब में है, क़यामत के दिन अल्लाह उसको जमा कर देगा और कहेगा कि ये उस मोहब्बत का सिला है। मिनहाजुल कुरान के रुफका, ठीक है, बनिए, मैंने वही चीज़ सारी समझा दी आपको। अस्सलामु अलैकुम।